कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम सब चलते हैं ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम सब चलते हैं ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारे अनु भाई, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया? बच्चा कह रहा सर वधिया ही वधिया। तुसी सुनाओ की हाल चाल? आपा भी एकदम वधिया जी। कई बच्चे तो कह रहे हैं अरे बहन आज संडे है क्या? मेरे को तो बेरा ही नहीं लगता अब संडे कब आवे, मंडे कब आवे, ट्यूसडे कब आवे, सातों दिन एक जैसे लाग रहे मैंने तो। ओ मेरा बच्चा, मेरा नोनू, मेरा सोनू। सर बस थोड़े दिनों की बात है, ठीक है? बस थोड़े दिन मेहनत कर लो, फिर संडे भी पता लगेगा, सब कुछ पता लगेगा, बस थोड़े दिन मेहनत करनी है सर। लास्ट के 40 दिन बचे मेरे बच्चे, बस 40 दिन, इवन 40 दिन। हाँ आज हमारी 27 तारीख है, 3 दिन जून में और बचे हैं, जुलाई के 31 दिन लगा लो, फिर 8-9 दिन लगा लो, टोटल मिला के 40 दिन की मेहनत है बस। अगर 40 दिन किसी बच्चे ने सही ढंग से मेहनत कर लेना सर, मैं कह रहा हूँ संडे को जो एंजॉयमेंट करोगे ना वो याद करोगे आप, ठीक है? तो अभी संडे मंडे छोड़ दो, अभी तो ये कहो सर डेली पढ़ना है बस, डेली सर पढ़ना है हमें, डेली टारगेट पूरे करने हैं, अच्छे से रिजल्ट लेके आना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, आप मेहनत करो हम तुम्हारे साथ हैं। आपने ये कहा करो सर आप मेहनत करो हम आपके साथ हैं, अगर आप ऐसे बोलोगे ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा जी, ठीक है? चलो इधर देखो ध्यान से जी, अभी हमने 15-20 मिनट पहले 27 मिनट वाला सेशन कंप्लीट करके पीजीवीपी के 7 कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज किए थे, उससे पहले डिडक्शन के एमसीक्यूज हमने किए थे शाम को 7 बजे, अब फिर दोबारा से आके बैठ गए हैं। आज हमें आईटीसी का चैप्टर कंप्लीट करना है जी, और 10 बजे फिर दोबारा से मुलाकात करेंगे जीएसटी की लाइव रिविजन क्लास में, उसमें भी 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, एक तो रिटर्न अंडर जीएसटी और एक पेमेंट ऑफ जीएसटी का जी, ठीक है जी? और स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से एक बार ऐसा करते हैं, उम्मीद करूंगा सारे बच्चे जुड़ चुके हैं जी, उम्मीद करूंगा सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, और किसी बच्चे ने अब चैट बॉक्स में फिजूल की बातें नहीं करनी क्योंकि मैं चैट नहीं पढ़ूंगा जी, ठीक है जी? मैं चैट नहीं पढ़ूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आपने साइड में लिख लेना है, जब ये क्लास खत्म होगी उसके कमेंट बॉक्स में डाल देना, बाकी सब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उनको वो आता होगा उसका रिप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर मैं रिप्लाई कर दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है जी, ठीक है? बट सारे बच्चों ने दिल लगा के ना 1 घंटा सिर्फ पढ़ना है, कोशिश करेंगे 17, 18, 19 बहुत जबरदस्त तरीके से रिवाइज करें और इतनी बढ़िया रिवीजन करें कि अगर किसी बच्चे को रेगुलर बैच में कोई डाउट भी रहा होगा ना वो रिवीजन क्लास में खत्म हो जाएगा जी, ठीक है? और स्टार्ट करते हैं, इधर देखो ध्यान से जी, एक बार फटाफट से ऐसा करते हैं लास्ट क्लास में जो भी हमने कंप्लीट किया एक बार उसकी रिविजन करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया था। लास्ट क्लास में याद करो जी, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था आईटीसी का, आपको मैंने कहा था कि 16 से लेकर 19 तक आपके जो भी सेक्शंस होंगे वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, सेक्शन 16 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 16 के अंदर मैंने कहा था कि आईटीसी लेने के कौन कौन एलिजिबल होगा और कौन कौन सी कंडीशन होंगी, वो सारी की सारी बातें हमने सेक्शन 16 में डिस्कस की। अगर मैं सेक्शन 16 के करक्स डायग्राम की बात करता हूँ जी, मुझे फटाफट से बोल दो, टोटल मिला के मेरे हिसाब से 9 कंडीशन निकल के आती है। कंडीशन नंबर 1 ये बात कहते हैं कि अगर किसी पर्सन को आईटीसी क्लेम करना है तो वो पर्सन किस कैटेगरी में कवर हो जी, रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में। अब अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में है वो सेक्शन 10 में कवर नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसने जो भी सामान लिया हो उसको बिजनेस में यूज करने वाला हो, उसके हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, उसकी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो और उसके सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो, उसने रिटर्न फाइल कर दी हो और उसने इनवॉइस अपलोड कर दी हो और सेक्शन 17(5) में कवर ना हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल मिला के 9 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी फिर कहीं जाके अपनी बुक्स में लिख पाऊंगा कि मुझे गवर्नमेंट से जीएसटी लेना है, ठीक है जी? अब वो सारी बातें कल हमने काफी डिटेल में रिवाइज की थी कि इनवर्ड सप्लाई किसे कहते हैं, आउटवर्ड सप्लाई किसे कहते हैं, इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होगा, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होगा, ये सारी बातें कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखी पहले कल की क्लास देखना फिर आज की क्लास देखना चाहिए, ठीक है? अब यह सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना ये तो समझ में आ गया कि सेक्शन 16 में अगर मुझे आईटीसी क्लेम करना है, मतलब मुझे अपनी बुक्स में लिखना है कि मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं, उसके लिए वो सारी बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। फिर अगला पॉइंट मैंने कहा था सेक्शन 16 ये भी बात कहता है कि अगर सप्लायर ने रिसीवर को मान लो उधार के अंदर सामान बेचा है तो रिसीवर के पास 180 दिन का टाइम होता है पेमेंट करने का, अगर 180 डेज में रिसीवर पेमेंट नहीं करेगा तो रिसीवर ने जो आईटीसी क्लेम किया होगा विद इंटरेस्ट उसको लौटाना पड़ेगा, ये बात हमने यहां पे की थी। फिर सेकंड पॉइंट मैंने कहा था कि अगर मान लो कोई भी सामान मैंने परचेज किया इंस्टॉलमेंट के अंदर परचेज किया, फटाफट से बोल देना जी, अगर मैंने सामान इंस्टॉलमेंट के अंदर परचेज किया या लोट्स के अंदर परचेज किया तो जब मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव करूंगा या जब मैं लास्ट लोट रिसीव करूंगा 100% आईटीसी उस टाइम क्लेम करोगे जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आप रिसीव करोगे,
फिर अगला मैंने कहा था नहीं, अगर मान लो आपने कैपिटल गुड्स परचेज किए हैं और कैपिटल गुड्स पे फॉर एग्जांपल मान लो आपने मशीनरी परचेज की है, उस मशीन पे आपने डेप्रिसिएशन भी दिया है तो जो सॉरी उस मशीन पे आपने जीएसटी भी दिया है तो जो भी आपने जीएसटी पे किया होगा गवर्नमेंट के लिए, उस जीएसटी पर या तो डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे या आईटीसी क्लेम करोगे, दोनों में से एक ही चीज क्लेम करोगे, डबल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद मैंने कहा अगर आप आईटीसी लेना भूल गए हो, हनी फटाफट से बोल देना जी, अगर आप आईटीसी लेना भूल गए हो तो आईटीसी लेने की लास्ट डेट क्या होती है? आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट होगी अगले साल के सितंबर के मंथ की ड्यू डेट और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर चल रही है। आपको मैंने कल की क्लास के अंदर भी कहा था कि 20 अक्टूबर के बाद मतलब 20th अक्टूबर के बाद मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊंगा। रीजन क्या है? सितंबर के मंथ की ड्यू डेट क्या बनेगी? 20 अक्टूबर बनेगी और एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट वैसे 31 दिसंबर होती है, पर गवर्नमेंट ने ड्यू डेट नहीं कहा, गवर्नमेंट कह रही है एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट और 20 अक्टूबर विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर होगा वहीं तक आईटीसी क्लेम कर पाओगे, सेक्शन 16(4) में ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद, ये एग्जांपल कंप्लीट करने के बाद ना सेक्शन 16 जो है ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब सेक्शन 16 कंप्लीट करने के बाद जो अगला सेक्शन मुझे स्टार्ट करना है ना वो आपका है जी सेक्शन नंबर 17 जो हमें यहां से स्टार्ट करना है। अच्छा इधर सुना ध्यान से, एक बात मैंने आपको और बताई थी, जो रूल नंबर 36 मैंने बताया था आपको, रूल नंबर 36 के अंदर मैंने कहा था कि जितने भी सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड कर दिए होंगे उसका तो सारा आईटीसी क्लेम कर लेगा और जो इनवॉइस उसने अपलोड नहीं किए होंगे उसका सारा क्लेम नहीं कर पाएगा। वैसे परसेंटेज आपकी 10% थी, बट मैंने क्या कहा कि आईसीएसआई ने सप्लीमेंट में डाल दिया 5%, तो जितने बच्चे मेरी सीएस फैमिली के होंगे या अगर कोई बच्चा सीएमए का भी है तो वो अब 5% ही करके चलेंगे, वो 10% नहीं करेंगे। बट हाँ, जो सीए वाले बच्चे अगर कोई क्लास देख रहे हैं तो वो 10% करेंगे, क्योंकि सीए और सीएस में अमेंडमेंट अलग अलग मंथ की आती है जी। हमारे सीएस में अमेंडमेंट आती है 31 दिसंबर तक की और सीए वालों के एग्जाम में अमेंडमेंट है 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर तक की बात करूंगा उस टाइम परसेंटेज 10% थी, बट अगर मैं दिसंबर तक की बात करूंगा तो 22 दिसंबर को नोटिफिकेशन आई थी 5% वाली, इफेक्टिव 1 जनवरी से हुई थी। बट मैंने क्या बोला, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, अगर हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला कि 5% करके चलेंगे तो 5% ही करके चलेंगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके बेस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे होंगे कल हमने डिस्कस कर लिए थे जी। ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद जी अब आ जाओ सेक्शन नंबर 17 पे। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, अब जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उम्मीद करूंगा सारे बच्चे अभी जुड़ चुके होंगे, क्योंकि 5 से 10 मिनट लगते हैं बच्चे जुड़ने में, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, रिविजन की है फाइनली, अब मैं क्लास स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ जी। एक बार सेक्शन 17 की हेडिंग पढ़ना, हेडिंग क्या लिखी हुई है, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं एक बार सेक्शन 17 की हेडिंग पढ़ो, हेडिंग क्या लिखी है। सर सेक्शन 17 की हेडिंग लिखी है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट और ब्लॉकेज ऑफ क्रेडिट। एक बात मुझे सोच के बताना सर, एक बात मुझे सोच के बताओ, सेक्शन 16 की भी ना, सेक्शन 16 की दो हेडिंग थी, एक तो एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ आईटीसी, सेक्शन 16 के अंदर भी दो बातें थी कि एक तो एलिजिबल कौन होगा और जो एलिजिबल होगा वो भी आईटीसी तब क्लेम कर पाएगा अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, और ऐसे ही सेक्शन 17 की भी दो हेडिंग है, एक तो अपोर्शनमेंट और एक फिर लिखा ब्लॉकेज। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर इस अपोर्शनमेंट और ब्लॉकेज में फर्क क्या है, इस अपोर्शनमेंट और ब्लॉकेज में फर्क है पहले वो समझते हैं। सर अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं, इधर देखो ध्यान से, मान लो मेरा काम है प्लास्टिक से, मैं मार्केट से प्लास्टिक लेकर आया, उस प्लास्टिक पर मैंने जीएसटी पे किया और उस जीएसटी का मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया, मान लो चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है, सेक्शन 16 की ना चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है, भाई जो मैं प्लास्टिक लेकर आया उस प्लास्टिक पे जो मैंने जीएसटी पे किया उसका इनवॉइस मेरे पास है, मेरी फैक्ट्री में आ चुका है, उसने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया, मैंने रिटर्न फाइल कर दी है, उसने इनवॉइस अपलोड कर दी है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया, अब मेरी बुक्स में आईटीसी पड़ा है। बट जो मार्केट से प्लास्टिक लेकर आया उस प्लास्टिक से एक तो मैंने रिमोट बनाया, उस प्लास्टिक से एक तो मैंने रिमोट बनाया और एक मैंने प्लास्टिक से ना पेन बनाया। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक कि जो ये पेन है ना इसको हम जीएसटी में एग्जम्प्ट करेंगे, रीजन क्या है, ये पेन एजुकेशन में यूज होगा, अब एजुकेशन में जो भी आइटम्स यूज होंगे ना हम चाहते हैं वो एग्जम्प्ट हो, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल ना हो। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, अगर मैंने 100 किलो प्लास्टिक लिया था, उस 100 किलो प्लास्टिक पर 1 लाख रुपए का जीएसटी पे किया था, मैंने 100 किलो प्लास्टिक लिया था, 100 किलो प्लास्टिक पर 1 लाख रुपए का मैंने जीएसटी पे किया था और उस 1 लाख रुपए का मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया, रीजन बिंग मैंने क्यों क्लेम कर लिया जी, कोशिश करो बताओ मैंने क्यों क्लेम किया होगा, क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड थी, मुझे नहीं पता होगा उस टाइम कि प्लास्टिक से कितने पेन बनाऊंगा कितने रिमोट बनाऊंगा, मैंने क्या किया सारा आईटीसी क्लेम कर लिया, अपनी बुक्स में लिख लिया कि मुझे गवर्नमेंट से 1 लाख रुपए लेने,
और जब मैंने प्लास्टिक से चीजें बनाना स्टार्ट किया, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने रिमोट बनाए और मैंने पेन बनाए। अब जब रिमोट बनाए और पेन बनाए, पेन जीएसटी में एग्जम्प्ट है, रिमोट जीएसटी में टैक्सेबल है। क्या मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी आंसर दे सकता है कि जो प्लास्टिक मैंने पेन में यूज किया होगा, क्या उसका मुझे आईटीसी मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। सर आंसर इज नो, नहीं मिलना चाहिए। याद करो जो बच्चे उस टाइम छोटे छोटे थे जब हमारी रिवीजन क्लास स्टार्ट हुई थी, शायद मुझे ध्यान आ रहा है एक डायलॉग है, सुभाष चंद्र बोस ने एक डायलॉग बोला था जी, मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे जानते होंगे जी, सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत फेमस डायलॉग था, क्या था कि तुम मुझे आजादी दो मैं तुम्हें खून दूंगा। बच्चा कह रहा है सर मजे मत लो, फटाफट से बोलो ना फिर डायलॉग क्या था। डायलॉग क्या था जी, तुम मुझे आजादी दो मैं तुम्हें खून दूंगा? नहीं, डायलॉग क्या था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैंने रेगुलर बैच के अंदर कहा भी था कि जब ये डायलॉग सुभाष चंद्र बोस ने बोला, ये सेम डायलॉग जीएसटी वालों ने सुन लिया था। और जीएसटी वाले भी ये बात कहते हैं, सर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मतलब अगर आगे तुम खून पे करोगे तभी पीछे की आजादी मिलेगी, अगर आगे खून ही नहीं पे करोगे तो पीछे की आजादी भी नहीं मिलेगी। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं जी, अगर आगे तुम जीएसटी पे करोगे फिर तुम्हें आईटीसी मिलेगा, अगर फर्दर जीएसटी ही पे नहीं करोगे तुम्हें कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ये बातें रेगुलर बैच में हमने डिटेल में डिस्कस की थी कि आपको किस किस केस में आगे जीएसटी पे नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल एग्जम्प्टेड सप्लाई है, फॉर एग्जाम्पल निल रेटेड सप्लाई है, कोई नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। अब सोच के बोला जब फर्दर सप्लाई पे खून ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, पीछे की आजादी भी आपको नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप आईटीसी क्लेम कर चुके हो, अगर आईटीसी क्लेम किया ही नहीं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आईटीसी क्लेम कर चुके हो फिर तुम्हें उस आईटीसी का अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर तुम आईटीसी क्लेम कर चुके हो फिर तुम्हें उस आईटीसी का अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। अपोर्शनमेंट कैसे करोगे, जितना सामान तुमने टैक्सेबल में यूज किया उतने का आईटीसी मिलेगा, जो नॉन टैक्सेबल में यूज किया होगा या एग्जम्प्टेड में यूज किया होगा उसका तुम्हें आईटीसी नहीं मिलेगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो वही सेक्शन 17 में जो पहला वर्ड है ना अपोर्शनमेंट, जो सेक्शन 17 में पहला वर्ड है अपोर्शनमेंट, तो अपोर्शनमेंट का मतलब ही यही है कि जो तुम सामान लेकर आए उस सामान को अगर तुमने बिजनेस में यूज किया, नॉन बिजनेस यूज किया, तो नॉन बिजनेस वाले का नहीं मिलेगा, बिजनेस वाले का मिलेगा। फिर अगर तुमने बिजनेस में यूज किया उससे जो सामान बना रहे हो वो एग्जम्प्टेड भी है टैक्सेबल भी है, तो टैक्सेबल वाले का मिलेगा, एग्जम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा। ये सारी बातें आपके सेक्शन 17 में लिखी है जी। तो ये बात क्लियर हो गई जी, जितने बच्चे कम से कम हाँ तो बोल दो नालायकों, मैं यहाँ पे कुछ टाइप नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता, बट कम से कम मैं आपके मैसेज तो पढ़ सकता हूँ, ठीक है? तो ये मत सोचना कि मैं आपके मैसेज नहीं पढ़ रहा, मैं सब नालायकों को देख रहा हूँ। जब रात को 10 बजे लाइव आऊँगा, एक एक बच्चे का नाम लेकर उसकी शामत आएगी, ध्यान रखना। जो बच्चे यहाँ पे आंसर नहीं दे रहे एक एक बच्चे की शामत लूंगा, ध्यान रखना जी। मुझे फटाफट से आंसर दो, सेक्शन 17 का अपॉर्चुनमेंट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनमेंट मीन्स क्या होता है कि जब भी आप कोई सामान लेके आ रहे हो, अगर बिजनेस में, नॉन बिजनेस में, एग्जम्प्टेड में, टैक्सेबल में, अगर ऐसे यूज कर रहे हो तो बिजनेस वाले का मिलेगा, एग्जम्प्टेड वाले का, सॉरी बिजनेस वाले का मिलेगा, नॉन बिजनेस वाले का नहीं मिलेगा, एग्जम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा, टैक्सेबल वाले का मिलेगा, इस तरह से आईटीसी क्लेम करोगे। अब कई बच्चे प्रोफेशनल वाले भी बैठे हैं कि सर ये हम बाइफर्केशन कैसे करते हैं कि बिजनेस और नॉन बिजनेस और एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल। तो इतने बच्चे मेरे प्रोफेशनल की फैमिली है, सिर्फ प्रोफेशनल की फैमिली की कह रहा हूँ, या अगर कोई बच्चा सीए वाला भी बैठा है उसके लिए रूल नंबर 42 एंड 43 होता है। रूल नंबर 42 एंड 43 का लिंक जिसने आज तक रूल नंबर 42 43 समझा ही नहीं है, इतनी जबरदस्त वीडियो मैंने, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ जी, इस तरह से आपको समझ में आएगा ना, आप कहोगे सर जैसे पता नहीं कितनी बार पहले पढ़ा हुआ है। बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने कराया है, उसमें एग्जाम्पल भी मैंने कराए हैं, डायग्राम बहुत बढ़िया बनवाया है, वाकई आपको समझने के अंदर मजा आएगा जी, ठीक है? उसके अंदर छोटी सी अमेंडमेंट है, वो आप सब जानते हो, अगर किसी बच्चे ने अमेंडमेंट क्लास देखी है, अमेंडमेंट क्लास के अंदर मैं डाल चुका हूँ। हाँ, जो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं जी उनको रूल नंबर 42-43 नहीं देखना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मेरी कोई फैमिली का बच्चा एग्जीक्यूटिव वाला बैठा है और ऑलमोस्ट सारे एग्जीक्यूटिव वाले ही होंगे, तो 42-43 नहीं देखना। बाकी सीए वाले बच्चे अगर हैं, इवन सीएमए वाले भी हैं, उनको रूल नंबर 42-43 अगर देखना है, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने डाला हुआ है, उसको आराम से देख लेना। और कोई एक छोटी सी अमेंडमेंट होगी, वो अमेंडमेंट क्लास में आपने देखनी है, ठीक है? तो मतलब बाइफरकेशन कैसे करेंगे, उसका ना फॉर्मूलेज होते हैं, उसके ना कई सारे पैटर्न होते हैं, वो रूल नंबर 42-43 में दिया होता है कि हाँ भाई इनपुट इनपुट सर्विस है तो एज पर 42 करोगे, अगर कैपिटल गुड्स को आपने ऐसे यूज किया है तो एज पर रूल नंबर 43 करोगे। अब वो किस तरह से करोगे उसका प्रॉपर फॉर्मूला है, ठीक है? उसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, तो वो अभी मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा जी। जिस बच्चे को देखना है वीडियो, आराम से एक डेढ़ घंटे की वीडियो होगी, दो घंटे की वीडियो होगी, विद एग्जाम्पल मैंने वहां पे समझाया है, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? तो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे भी यहाँ पे ध्यान देंगे जी।
अब मुझे फटाफट से बोल दो 17 में क्या बातें निकल के आ रही हैं कि अगर आपने इनपुट को यूज किया पर्सनल में बिजनेस में तो पर्सनल वाले का नहीं मिलेगा, बिजनेस वाले का मिलेगा, और अगर एग्जम्प्टेड टैक्सेबल में यूज किया तो एग्जम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा, टैक्सेबल वाले का मिलेगा। अब यहाँ पे चेक करो फटाफट से, देखो जी 17 का पहला पॉइंट कह रहा है इनपुट यूज किया पर्सनल बिजनेस तो पर्सनल में नो है, बिजनेस में यस है। अगर इनपुट यूज किया एग्जम्प्टेड टैक्सेबल तो एग्जम्प्टेड वाले का नो है, टैक्सेबल वाले का लेस है, और टैक्सेबल में जीरो रेटेड सप्लाई भी कवर होगी जी। और आप सब जानते हो सर, अब तो जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट या अगर आपने SEZ को सप्लाई की होगी वो किसको बोलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ जी, उस केस में आपने चाहे फर्दर GST पे नहीं करना फिर भी आप ITC क्लेम कर सकते हो। बच्चा कह रहा है सर अगर आगे ही GST पे नहीं करेंगे तो ITC क्लेम करके करेंगे क्या, आप रिफंड क्लेम करोगे। जब मैं GST में रिफंड वाला चैप्टर रिवाइज कराऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कि आपको रिफंड कैसे क्लेम करना होता है, ठीक है। बस अभी इतना ध्यान दो जी, टैक्सेबल सप्लाई में जीरो रेटेड सप्लाई भी कवर होती है जी, ठीक है। अच्छा, एग्जम्प्टेड सप्लाई में कौन कौन सी कवर होंगी जी, एक तो RCM वाले केस। अगर मान लो मैं कोई सप्लाई RCM की कर रहा हूँ जी, मैं कोई सप्लाई RCM की कर रहा हूँ तो उसमें मुझे GST तो पे नहीं करना, किसको पे करना है, रिसीवर को। तो मेरे हाथ में वो सप्लाई क्या बनेगी, एग्जम्प्टेड सप्लाई। उसके बाद जी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, ये बात तो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि मनी और सिक्योरिटी गुड्स और सर्विस में ही कवर नहीं होते, तो गवर्नमेंट ने दोबारा क्लैरिफाई कर दिया कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन जो होगी उस पर कोई भी GST की ITC की बात नहीं होगी। सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, आप सब जानते हो Schedule 3 में कवर है, अगर वो Schedule 3 में कवर है उसमें कोई ITC की बात नहीं होगी। इंटरेस्ट और डिस्काउंट, अब ये इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो होते हैं ये एग्जम्पशन लिस्ट में कवर होते हैं, बस इतनी सी बात ध्यान देना जी, ये भी आपके एग्जम्प्टेड सप्लाई में कवर होंगे। इट मीन्स इन केस में ITC क्लेम नहीं कर पाओगे, इनको छोड़ के जो भी चीज़ें होंगी आप ITC क्लेम कर पाओगे, बस ये बात ध्यान दो। तो मेनली क्रक्स क्या निकल के आ रहा है जी, क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि अगर आपने कोई भी सामान परचेज किया उस सामान को बिजनेस में यूज़ करोगे, पर्सनल यूज़ करोगे, तो पर्सनल वाले का ITC हटा दो, बिजनेस वाले का मिलेगा। अगर आपने बिजनेस में यूज़ किया उसको एग्जम्प्टेड सप्लाई में यूज़ किया या टैक्सेबल में यूज़ किया तो एग्जम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा, टैक्सेबल वाले का मिलेगा। ये सारी बातें अभी तक क्लियर हुई हैं। फिर अगला सेक्शन 17 में ये पॉइंट निकल के आ रहा है कि जो बैंकिंग कंपनी होती है ना, बैंकिंग कंपनी होती है उनके पास एक ऑप्शन होता है, याद करो मैंने क्लास में बताया था। अब बैंकिंग कंपनी या तो ये वाला तरीका यूज कर ले जो ऊपर दिया है, मतलब बैंकिंग कंपनी क्या करे, या तो ये पैटर्न यूज कर ले, ये पैटर्न का मतलब क्या है कि एग्जम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा, टैक्सेबल वाले का मिलेगा। और अगर बैंकिंग कंपनी चाहती है कि मुझे ये पैटर्न यूज नहीं करना तो बैंकिंग कंपनी जितना सामान लेकर आ रही है, मतलब जो भी सर्विस वो ले रही है, उन सबका ITC क्लेम करके उसका 50% रिवर्स कर दे। मैं दोबारा बोलूंगा जी, आपके एग्जाम में कई बार MCQ क्वेश्चन बन चुका है सर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि बैंकिंग कंपनी वाले केस में कितना ITC रिवर्स करना पड़ता है, दैट इज 50%। अगर मैं नॉर्मल केस की बात करूंगा फिर तो एग्जम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा, टैक्सेबल वाले का मिलेगा। बट अगर बैंकिंग कंपनी चाहती है कि मुझे ये वाला ऑप्शन नहीं लेना, मतलब जो ऊपर वाला ऑप्शन है कि मैं सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करो तुम सारा ITC क्लेम करके उसमें 50 हटा दो, बाकी तुम क्लेम कर लो। इसको बोलते हैं नोशनल बेसिस, बट ये ऑप्शन ओनली फॉर द बैंकिंग कंपनी और किसी के लिए नहीं है जी, ठीक है। और ये बातें जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास के अंदर पढ़ा होगा, याद करो बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन 17(4) जो है वो इसका है जी, ठीक है। तो 17(1), 17(2), 17(3), 17(4), ये चारों पॉइंट हमारे हो चुके हैं। अब जो सबसे मेन पॉइंट है ना, जहां बच्चों को दिक्कत आती है, दैट इज सेक्शन नंबर 17(5), ये हमारा बेयर एक्ट के अंदर है। अभी हम बेयर एक्ट तो पढ़ नहीं रहे जी, ठीक है, क्योंकि बेयर एक्ट पढ़ने का टाइम चला गया, क्लासेस में चला गया जी। अब मेन टाइम है रिवीजन करने का। अब मुझे एक बात बताओ जी, एक बात मुझे सोच के बताना। अब 17(5) जो हमारा है ना, 17(5) कहता है कि कुछ केस ऐसे होंगे जहां पे हम आपका ITC ब्लॉक कर देंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, याद करो 17(5) जो आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि 17(5) ये बात कहता है कि कुछ केस ऐसे होंगे जहां पर ITC ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि जहां सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी उसके बावजूद भी तुम ITC क्लेम नहीं कर पाओगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, जहां सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी उसके बाद भी तुम ITC क्लेम नहीं कर पाओगे। कब? अगर वो चीज 17(5) में कवर हो गई। अब 17(5) में कौन कौन से आइटम्स कवर है? पहली बात तो एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इंक्लूसिव लिस्ट नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 17(5) में जिन पे ITC ब्लॉक है उसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इंक्लूसिव लिस्ट नहीं है। मतलब जो भी काम मेरा यहां पे कवर होगा उस केस में ITC ब्लॉक है, इसको छोड़ के मेरा ITC ब्लॉक नहीं होगा, बस ये बात ध्यान दो जी। अब ऐसे कौन कौन से केस होंगे जहां पे ITC को ब्लॉक किया हुआ है, अब वो देखने जा रहे हैं जी। एक बार चेक करना, याद करो जी, पहला पॉइंट बोलो जी,
पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हैविंग अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर। इसका मतलब क्या, अगर किसी बच्चे ने सही ढंग से पढ़ा होगा, याद करो सर आपने घर से पहले पढ़ा होगा, मैंने क्लास में कहा था कि अगर कोई मोटर व्हीकल है जो यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए, मतलब अगर मोटर व्हीकल गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में यूज करोगे उस केस में आईटीसी क्लेम कर लोगे, क्योंकि ब्लॉकेज में पर्सन की ट्रांसपोर्टेशन वाले मोटर व्हीकल कवर है, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन वाले कवर नहीं है। सर एक बात मैंने सोच के बताना, अरे बड़े बड़े ट्रक होते हैं, हेलो, अरे बड़े बड़े ट्रक होते हैं, अब जो बड़े बड़े ट्रक हैं, बड़े बड़े टेम्पू हैं जहां पे गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने वो परचेज की है, अगर वो मोटर व्हीकल परचेज की है उस केस में आईटीसी क्लेम कर लो सारा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर कोई पैसेंजर मोटर व्हीकल है जिसमें पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन होती है और जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक है इंक्लूडिंग ड्राइवर, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर कोई पैसेंजर मोटर व्हीकल है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी, एक सेकंड रुको जी, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 13 पैसेंजर तक है, अब एक बात मैंने सोच के बताना जी, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक होगी तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, उस केस में तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, रीजन बिंग हमने वहां पे आईटीसी ब्लॉक कर दिया जी, हमने वहां पे आईटीसी ब्लॉक कर दिया। उसके बाद किस में ब्लॉक किया जी, वेसल में ब्लॉक किया, फिर ब्लॉक किया एयरक्राफ्ट में, एक्सेप्ट इनको छोड़ के व्हेन दे आर यूज फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई नेमली। अब आपने बोल देना जी, मतलब वैसे गवर्नमेंट ने क्या बोला जी, मोटर व्हीकल जो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में यूज करोगे जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक होगी उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, इन केस को छोड़ के। सबसे पहला केस कह रही है कि अगर आपका काम ही गाड़ियों में डीलिंग करना है, अब एक बात मैंने सोच के बोलना जी, एक बात मैंने सोच के बोलना, मान लो मेरा होंडा कंपनी का शोरूम है, मेरा मारुति सुजुकी का शोरूम है, अब अगर मैं शोरूम वाला हूं तो मेरा काम क्या होगा, गाड़ी परचेस करके गाड़ी सेल करना। भाई अगर मैं गाड़ियों की डीलिंग करता हूं, अगर मेरा काम गाड़ियों में डीलिंग करना है तो मेरा काम क्या होगा, गाड़ी परचेस करके गाड़ी सेल करना। अब अगर मेरा काम गाड़ी परचेस करके गाड़ी सेल करना है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, तुम्हारा काम है गाड़ियों की फर्दर सप्लाई करना, तुम गाड़ियों के डीलर हो, उस केस में जो भी तुम गाड़ी परचेस करोगे उसका तुम आईटीसी क्लेम कर लोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिसका बिजनेस ही यही है गाड़ियों का, मैं दोबारा बोलूंगा जी, जिसका बिजनेस ही गाड़ियों में डीलिंग करना है वो यहां से बाहर हो चुके हैं, वो आईटीसी क्लेम कर लेंगे, बस ये बात ध्यान दो। सेकेंड देखो जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर आप यूज कर रहे हो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में, अगर आप गाड़ी यूज करोगे पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में, फॉर एग्जांपल ओला कैब हो गया, उबर कैब हो गया, रेडियो टैक्सी हो गया, मेरू कैब हो गया, मतलब जो भी आपकी कैब की सर्विस होती हैं, चाहे उनकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की है, बट अगर किसका काम, अगर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन करना है उस केस में वो जो गाड़ी लेकर आएगा उसका आईटीसी क्लेम कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है जी, रिलेटेड टू वेसल एंड एयरक्राफ्ट, ऑब्वियस ही बात है, मोटर व्हीकल वाले केस में तो वैसे ही बाहर निकाल दिया, मोटर व्हीकल वाले केस में तो वैसे ही बाहर है, क्योंकि मोटर व्हीकल वाले केस में तो आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए वैसे ही क्लेम कर सकते हो, और गवर्नमेंट के लिए अगर वेसल एयरक्राफ्ट की बात होगी, अगर उसके गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब आप कोई वेसल लेकर आए, किसके लिए लेकर आए, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कोई एयरक्राफ्ट है वो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहा है, उस केस में जो भी आपने जीएसटी पे किया होगा उसको आप आईटीसी क्लेम कर लोगे। एक बच्चा कहता है सर भाई हमें समझ नहीं आ रहा यहाँ पे एयरक्राफ्ट और वेसल क्यों डाला, मतलब क्या कोई ऐसे इंसान होंगे जिनके अपने पर्सनल एयरक्राफ्ट होंगे, पर्सनल वेसल होंगे? यस, आपको पता हो सर विजय माल्या देश का सबसे बड़ा शराबी, आपने अगर कभी नाम सुना हो विजय माल्या का, विजय माल्या ने अपने लड़के के बर्थडे पर उसको एक शिप गिफ्ट किया था। नहीं, बच्चा कह रहा है सर हमें तो खुद लिखना पड़ता है, प्लीज विश मी इट्स माई बर्थडे। यस, यही जमाना आजकल, आजकल यही जमाना है सर, अगर हमें विश लेनी होती है आजकल तो ये जमाना है हमें खुद लिखना होता है, अरे आज मेरा बर्थडे है आज विश तो कर दे, क्यों, या तो कुछ गिफ्ट मिल जाएगा या कहीं से विशेस मिल जाएंगी। मतलब कमाल की बात, देखो हमें सर एक चिप्स का पैकेट नहीं मिलता बर्थडे पर अपने, और विजय माल्या के, मतलब विजय माल्या ने अपने लड़के को उसके बर्थडे पर, आप कमाल की बात देखो, एक शिफ्ट गिफ्ट कर दिया। अब सोच के बोलना, एक शिफ्ट गिफ्ट कर दिया, अब अगर शिप गिफ्ट किया कितने लाखों करोड़ रुपए का होगा, उस पर कितना जीएसटी पे किया होगा, गवर्नमेंट ने कहा हेलो आईटीसी नहीं मिलेगा। और मुकेश अंबानी के, आपको बताओ मुकेश अंबानी के पर्सनल अपने एयरक्राफ्ट है सर, उसका पर्सनल एयरक्राफ्ट है सर, आपको बताओ, और मुकेश अंबानी के घर के ऊपर हेलीपैड है, उसके हेलीकॉप्टर अपने हैं, तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है उस केस में जो भी तुम्हारे पर्सनल है उसमें आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन या पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हो उस केस में आईटीसी क्लेम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक बार
इम्पार्टिंग एंड ट्रेनिंग ऑन मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट, इसका मतलब क्या है? 15 दिन में गाड़ी सीखे। आपने कई बार देखा होगा, आप जहाँ के भी रहने वाले हो वहाँ पे कई बार गाड़ियों को सुखाने वाले होते हैं, गाड़ी के ऊपर बोर्ड लगे होते हैं, 15 दिन में गाड़ी सीखे। अब सोच के बोला, जिनका मेन काम ही गाड़ी सिखाना है, वेसल्स मतलब वेसल कैसे चलता है, वेसल चलाने सिखाना है, एयरक्राफ्ट चलाने की ट्रेनिंग देना है, तो उनका मेन काम क्या है? यही ट्रेनिंग देने वाला काम है उनका मेन काम, उसको पर्सनल यूज करना नहीं है। तो गवर्नमेंट करिए उस केस में वो ITC क्लेम कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब सिंपल सी ये बात ध्यान देना, सारे बच्चे जी जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं फटाफट से एक बार बताएंगे, 4 केस में ITC क्लेम कर पाएंगे, इन चारों केस को छोड़ के मोटर व्हीकल वाले किसी भी केस में ITC क्लेम नहीं कर पाओगे। 4 केस कौन कौन से हो गए? पहला केस क्या हो गया? अगर मेरा काम गाड़ियों में डीलिंग करना है उस केस में ITC क्लेम कर पाऊंगा। दूसरा मेरा केस हो गया अगर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन है उस केस में ITC क्लेम कर पाऊंगा। तीसरा अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है उस केस में ITC क्लेम कर पाऊंगा। और चौथा अगर मेरा काम गाड़ियों को सिखाने का है, ट्रेनिंग देने का है, उस केस में ITC क्लेम कर पाऊंगा। इन चारों को छोड़कर किसी भी केस में मोटर व्हीकल वाले केस में ITC में क्लेम नहीं कर पाऊंगा। ये 75 का पहला पॉइंट कह रहा है। अच्छा, आपके एग्जाम में ध्यान सुना जी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि एक पैसेंजर मोटर व्हीकल परचेस किया जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 20 पैसेंजर की है। चैट बॉक्स भर दो री, चैट बॉक्स भर जाना चाहिए। एक पैसेंजर मोटर व्हीकल परचेस किया जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 20 पैसेंजर की है। मान लो आपने एक बस परचेस की है जी, मान लो आपने एक बस परचेस की है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी 20 पैसेंजर की है, क्या उस पे ITC क्लेम कर पाऊंगा? आंसर इज यस, क्लेम कर पाऊंगा। उसने ये बोला है अगर मोटर व्हीकल परचेस किया पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन वाला जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की होगी, उस पे क्लेम नहीं कर सकते। इट मींस जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ऊपर की होगी वो 75 में कवर नहीं है। इट मींस वहां पे ITC क्लेम कर सकते हो। मेरी बातें समझ में आती हैं आपको? ठीक है जी, तो ये बात कहना चाह रहा हूं कि 75 में ये वाली चीजें बाहर है। अच्छा, एक बात और सुनो ध्यान से, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जी, आंसर देना जी। अंजलि सलूजा, अंजलि आप आंसर नहीं दे रहे आजकल, बिल्कुल बिल्कुल नालायक बच्चे बन चुका है बच्चा। कई बच्चे ऐसे हैं मैं देख रहा हूं, पहले बहुत मोटिवेटेड थे, जब हमारी रिविजन क्लास स्टार्ट हुई थी बच्चा कह रहा है सर मोटिवेटेड तो आज भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हमें ना एक ही चोकटा बार बार देखने को मिलता है। मतलब 7 बजे स्टूडेंट दरबार तो भी आप बैठे होते हो, 27 मिनट वाली सीरीज तो भी आप बैठे होते हो, 9 बजे प्रीमियर चलता है तो भी आप बैठे होते हो, 10 बजे लाइव क्लास चलती है तो भी आप बैठे। सर कितनी बार आपको देखें, मतलब एक ही चोकटा बार बार देखने को मिलेगा, सर हम ऊब जाएंगे ना, हम थक जाएंगे। तो बताओ मैं क्या करूं? मैं बिंदी लिपस्टिक लगा के आ जाऊं जो, ठीक है यहाँ पे अपना बिंदी लगा देता हूँ, यहाँ पे लिपस्टिक लगा लेता हूँ जी, ठीक है यहाँ पे नेल पॉलिश लगा लेता हूँ, थोड़ा चेंज होकर आता हूँ ना, ये काम करता हूँ, फिर कभी बाल ऐसे कर दिए, कभी मतलब इस तरह से हद हो गई बिल्कुल ही। बच्चा कह रहा है एक ही चोकटा बार बार देखने को मिल रहा है तो थक जाते हैं, और जो मैं आपको इतने दिनों से देख रहा हूँ, सर आप नहीं थक सकते, ना 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 ना, आपको थकने की वो नहीं है, थकन में थक तो हम जाते हैं ना सर, हम इतनी देर से बैठे हैं, सर देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। ओ मेरा बच्चा, मेरा नोनू, मेरा सोनू, इधर देखो ध्यान से ना लाइको, आंसर दो मुझे, तुम्हारी बातें सुन लो बस, बातें तुम्हारी कभी खत्म नहीं होंगी, फटाफट से मुझे आंसर दो री। आंसर एक क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, मोटर व्हीकल पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन वाला है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी 20 पैसेंजर की है, क्या ITC क्लेम कर पाओगे? आंसर इज यस। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, एक कंपनी है, क्वेश्चन बहुत ध्यान सुना जी, क्वेश्चन बहुत ध्यान सुना, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुना, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। कंपनी है, कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने स्टाफ के लिए एक गाड़ी परचेस की। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक कंपनी है, कंपनी ने अपने एम्प्लॉई के लिए, अपने स्टाफ के लिए गाड़ी परचेस की, उस गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी 10 पैसेंजर की है, उस गाड़ी का 100% यूज ऑफिस में होगा, और उस गाड़ी पर 1 लाख रुपए का GST पे किया, क्या वो कंपनी उस गाड़ी के GST का ITC क्लेम कर सकती है? मैं दोबारा बोलूंगा, कंपनी ने अपने एम्प्लॉई के लिए एक गाड़ी परचेस की, उस गाड़ी पर 1 लाख रुपए का GST पे किया, और गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी 10 पैसेंजर की है, 10 लोगों की है, और वो गाड़ी 100% ऑफिस में ही यूज होगी, कभी एम्प्लॉई की ट्रांसपोर्टेशन में, कभी डायरेक्टर की ट्रांसपोर्टेशन में, कभी कहीं मीटिंग में जाना है, मतलब वो गाड़ी ऑफिस में यूज करेंगे, क्या उस गाड़ी के GST का ITC क्लेम कर पाऊंगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो। कई बच्चे यस यस चिपका रहे, पता नहीं यस क्यों कह रहे हैं। सर एक बात बताओ, पहली बात तो सीटिंग कैपेसिटी 13 तक की है, और अगर 13 तक की है तो ITC ब्लॉक है। बच्चा कह रहा है सर आपने कहा तो है उस पर ITC वो क्लेम कर लेंगे अगर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन। एक बात मुझे बताना, अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉई को घर छोड़ के आ रही है, घर से लेके आ रही है, कहीं मीटिंग प्लेस पे लेके जा रही है, मीटिंग प्लेस पे छोड़ के आ रही है, तो क्या वो ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर की है? सर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या होता है? कि पूरी पब्लिक की ट्रांसपोर्टेशन। सर पैसेंजर मींस क्या है? पूरी पब्लिक। पैसेंजर मींस ये नहीं है कि जो तुम्हारा एम्प्लॉई है वो तुम्हारा पैसेंजर बन गया।
पैसेंजर का मतलब मेरे बच्चे क्या होता है, जो बाहर लोकल गाड़ी चल रही है, मैंने क्या बोला ओला कैब है, उबर कैब है, ये पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन है। बट अगर कंपनी ने गाड़ी ली है अपने एम्प्लॉइज के लिए, तो उसको पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में कवर नहीं करोगे, उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, बस ये बात ध्यान देना जी। तो कई बार ना एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, पता क्या बोलते हैं, गाड़ी लेकर आए बिजनेस में यूज करने के लिए, बच्चा सेंटी हो गया। और जैसे ही बच्चा सेंटी हुआ, एग्जामिनर कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे सेंटी बच्चे चाहिए जो बिना बात के आंसर गलत करके आए। तो सर पहली बात तो एग्जाम में सेंटी मत होना। ये चार पॉइंट, बस ये चार पॉइंट याद करो, इन चारों को छोड़ के आपने गाड़ी किसी भी पर्पज के लिए क्यों ना ली हो, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट हाँ, प्रोवाइडेड उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की होनी चाहिए जी। अगर 13 से ऊपर की है तो आईटीसी क्लेम कर लोगे, और अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोटर व्हीकल लिए तो भी आईटीसी क्लेम कर लोगे। अच्छा चलो जी, अब ये बात तो क्लियर हो गया जी कि इस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा जी। उम्मीद करूंगा सारा पॉइंट एक बार फटाफट से आपको रिवाइज हो गए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा समझ में आ गए होंगे सर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब अगर मैं समझाने के लिए बैठ गया तो इसी एक क्लोज पे 2 घंटे लगते हैं जी, इसी एक क्लोज पे 2 घंटे लगेंगे। वो 2 घंटे का टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है जी। हमारे पास टाइम ये है कि आपने जो पहले क्लास के अंदर पढ़ा है उसको रिवाइज करवाने का, कि याद करो हमने क्लास में ये पढ़ा था जी, ठीक है जी। अच्छा, अब ये पॉइंट पढ़ने के बाद ना याद करो, मैंने क्लास में एक पॉइंट आपको और भी बताया था जी। आपको मैंने कहा था कि जिन मोटर व्हीकल पर अगर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, अगर उनके लिए कोई सर्विस लोगे, उस सर्विस का भी आईटीसी ब्लॉक होता है। और जिन मोटर व्हीकल पर तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो, अगर उसके लिए कोई सर्विस लोगे, उसका तुम्हें आईटीसी मिल जाएगा। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, इतना ध्यान देना कि जहां मोटर व्हीकल का आईटीसी ब्लॉक है उस केस में अगर उनके लिए सर्विस लोगे, उनका भी आईटीसी ब्लॉक है। और जिस केस में मोटर व्हीकल का आईटीसी मिल जाता है, अगर उनके लिए कोई सर्विस लोगे, उसका आईटीसी भी क्लेम कर लोगे। बस ये बात ध्यान दो। कहना क्या चाह रहा हूं, मान लो ओला कैब वाले, उबर कैब वाले अपनी गाड़ी पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, अगर उन्होंने गाड़ी की सर्विस कराई, अगर उन्होंने गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, उस पर जो भी जीएसटी पे किया होगा वो क्लेम कर लेंगे। रीजन बिंग, क्योंकि जब उन्हें मोटर व्हीकल पर आईटीसी मिल गया तो उसकी सर्विस का भी मिल जाएगा। एक एम्प्लॉई ने अपने डायरेक्टर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी ली, तो जब इस कंपनी को उस गाड़ी का आईटीसी नहीं मिला, उस गाड़ी के लिए जो सर्विस लेगा, उस सर्विस पर जो भी जीएसटी पे करेगा, उसका भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट ये बात कह रही है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सर्विस रिलेटेड टू मोटर व्हीकल और वेसल, मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट अगर स्पेसिफाइड केस में कवर है। स्पेसिफाइड केस कौन से, ये ऊपर वाले 4 केस, तो आईटीसी मिल जाएगा। अगर स्पेसिफाइड केस में कवर नहीं है तो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, आईटीसी ब्लॉक है जी, ठीक है। और ये अमेंडमेंट आई थी आज से 1 साल पहले, याद करो मैंने क्लास में आपको बताया था कि आप इस केस में भी आईटीसी क्लेम कर सकते हो। कब, वेयर रिसीव बाय ए टैक्सेबल पर्सन एंगेज, जो मैन्युफैक्चरर हैं जी किसके, मोटर व्हीकल के, वेसल के, एयरक्राफ्ट के, अगर वो सर्विस ले रहे हैं आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। या इन द सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट इंश्योर्ड बाय हिम, अगर कोई जनरल इंश्योरेंस की सर्विस ले रहे हो उस केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज आप आईटीसी सिर्फ तभी क्लेम कर पाओगे अगर आपका मोटर व्हीकल इन स्पेसिफाइड केस में कवर होगा, तभी आईटीसी मिलेगा। अगर स्पेसिफाइड केस में कवर नहीं होगा उस केस में आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते जी, ठीक है जी। ये पॉइंट हमने यहां पे क्लियर किए। उसके बाद जी अगला आ रहा है फिर फूड एंड बीवरेज। एक बात मुझे बताना जी, मान लो आप सब मेरी कंपनी में काम करते हो, या अगर आपको बुरा लगता है तो मान लो मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ, क्योंकि ना कई बार बच्चे सेंटी रहते हैं कि सर ने ये कैसे बोल दिया कि हम सर की कंपनी में काम करते हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं सर, कॉन्सेप्ट हमें समझ रहे हैं। मान लो मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ जी, अब अगर मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सब मेरे क्या है जी, एम्प्लॉयर हैं, आप सब मेरे क्या हो, एम्प्लॉयर हो। मैंने कहा जी मुझे ना चाय पीनी है, और चाय के साथ ना मुझे नमकीन का पैकेट चाहिए, चाय के साथ मुझे चिप्स का पैकेट चाहिए, और चाय के साथ मुझे मान लो पार्ले जी चाहिए। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब ये चिप्स का पैकेट जो है और नमकीन का पैकेट जो है ये यूज़ कहाँ पे कर रहा हूँ? सोच के बोला, क्या ये पर्सनल यूज़ हो रहा है या यूज़ ऑफिस में ही हो रहा है? यूज़ ऑफिस में हो रहा है ना, मतलब जो ऑफिस का स्टाफ है वही कंज्यूम कर रहा है, पर्सनल यूज़ नहीं हो रहा। बट गवर्नमेंट कह रही है इन चीज़ों पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फूड एंड बीवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग की सर्विस हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस हो गया, हेल्थ सर्विस हो गया, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी की सर्विस हो गया, लीजिंग रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट रेफर टू इन ए और AA एक्सेप्ट व्हेन यूज फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड देयर इन लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इस केस में क्लेम कर सकते हो। इसको छोड़ के आप कहीं पर भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। फिर कह रहे हैं जी एक्सेप्ट इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई इज सेम देन आईटीसी अलाउड, इसका मतलब क्या है?
मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आपकी इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई सेम होगी उस केस में आईटीसी क्लेम कर पाओगे, नहीं तो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जैसे मान लो जितने बच्चे मेरी फैमिली के बैठे हैं ना, कहते सर हम ना 40 दिन तो मेहनत बहुत कर लेंगे, आप टेंशन मत लो हम बहुत मेहनत कर लेंगे, बट सर क्या 40 दिन के बाद जब हमारे एग्जाम हो जाएंगे तो हमारे अगर बढ़िया एग्जाम हो जाएंगे तो क्या आप मुझे पार्टी दोगे? मैं कहा बिल्कुल पार्टी देंगे। मैं कहा ऐसा करते हैं वहां घूम चलते हैं गोया। गोया? बच्चा कहता है गोवा होता है सर, गोवा होता है, गोया नहीं होता। अरे वो एक मूवी थी ना फुकरे, कौन सी फुकरे मूवी थी, फुकरे मूवी थी मेरे ख्याल से। फुकरे में वो एक होता है ना, एक तो लाली होता है लाली, और एक वो क्या होता है, एक लाली होता है, एक और होता है, एक चूचा होता है, पता नहीं क्या नाम है उसका। तो मतलब वो जो कहता है ना कहाँ जाना है, गोया जाना है, गोया। तो बच्चा ऐसा करेंगे हम एग्ज़ाम के बाद ना गोया घूमने चलेंगे, मतलब गोवा मान लो यार, गोवा मान लो, एग्ज़ाम के बाद हम गोया घूमने चलेंगे। अब एग्जाम का जब गोया घूमने चलेंगे ना, मान लो वहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल फूड बेवरेज और आउटडोर कैटरिंग ये सारी सर्विस ली, ठीक है जी। वहाँ पे कैटरिंग की सर्विस मैंने कैटरिंग वाले को बोला, मैंने कहा भाई कैटरिंग करवानी है, मेरे पास कम से कम 1200-1500-2000 बच्चा होगा, तो वहाँ पे कैटरिंग की सर्विस लेनी है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है उस कैटरिंग की सर्विस पर जो मैं GST पे करूँगा क्या मैं ITC क्लेम कर पाऊंगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। अच्छा अब सुना ध्यान से जी, मैंने पूछा जी बताओ जी एग्जाम के बाद गोया घूमने कौन कौन जाएगा मेरे साथ, बट अपने पैसों पे जाना है सर। देखो पैसे अपने होंगे, बच्चा कहते फिर कोई नहीं जाएगा, आप अकेले जाना, अकेले घूमना हम नहीं जा सकते। चलो ऐसा करो मेरे पैसे पे चलेंगे, बस ठीक है आप तो खुश हो। बच्चा कह रहा अब सर अब तो इतने लोग जाएंगे आप संभाल भी नहीं पाओगे। चलो मान लेते हैं 5000 बच्चा पूरी फैमिली का मेरे साथ गोया घूमने जा रहा है, तो मैंने कैटरिंग वाले को बोला, मैं कह रही 5000 बच्चों की ना कैटरिंग कर रहे हैं। कह रहे 5000 बच्चा? मैं कहा यस, मेरा परिवार है ही इतना बड़ा। मैं कह रही मेरा परिवार बहुत बड़ा है, हम घूमने जाएंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, एग्जाम सबके बढ़िया हो चुके हैं, अब हम गोया घूमने जाएंगे। कहता ठीक है जी कैटरिंग की सर्विस दे देंगे। अच्छा अब जो वो कैटरिंग वाला है ना उसका इतना बड़ा काम ही नहीं है, उसने आज तक मैक्सिमम 500 लोग संभाले हैं, उसने 5000 लोग कभी संभाले नहीं, और उनको पता ही नहीं है ये बच्चे हैं कैसे, ये तो खुराफाती बच्चे हैं, ये तो भाई साहब वहां पे अगर देख लेंगे गुलाब जामुन ये वो एक ही प्लेट में ऐसे गुलाब जामुन, रसगुल्ले, रसमलाई, लड्डू हो गए, जलेबी हो गई और रबड़ी हो गई, एक ही प्लेट में ऐसे भर भर के, वो तो हैरान हो जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं मेरे बच्चे कैसे हैं। सर बच्चा कह रहा है सर आप कमा, आप एक बार हमें कह दो हम छोटी सी प्लेट में अगर ना 10 किलो सामान डाल के लें फिर आप मुझे बोल देना। सर आपको पता नहीं है हम कुतुब मीनार बना देंगे सर, हम ऐसे ऐसे गुलाब जामुन रख रख के इतना बड़ा कुतुब मीनार बना देंगे, आप भी हैरान हो जाओगे गुलाब जामुन है या क्या है। मुझे पता है तुम्हारा सर, तुम मेरी फैमिली के ही बच्चे हो, मुझे पता है तुम्हारा। तो कैटरिंग वाले ने बोला सर सर्विस तो मैं दे दूंगा। अब कैटरिंग वाले ने मुझे मना नहीं किया, कैटरिंग वाले ने मुझे मना नहीं किया, उसने कहा दे दूंगा, बट उसकी कैपेसिटी है ही 500 बच्चों की, है ही 500 लोगों की। अब उस कैटरिंग वाले ने क्या किया, दूसरे कैटरिंग वाले से बात की, सर प्लीज ध्यान सुना एग्जांपल बता रहा हूँ जी, बहुत ध्यान सुना एग्जांपल बता रहा हूँ। उस कैटरिंग वाले ने क्या किया, दूसरे कैटरिंग वाले से बात की, दूसरे कैटरिंग वाले को बोला भाई विवेक सर का ना ऑर्डर आया और कह रहे हैं 5000 बच्चा है गोया घूमने जाना है, गोया मतलब समझ गए ना, गोया घूमने जाना है, खोया नहीं कह रहा नालायक, बच्चा कह रहा खोया, गोया कह रहा हूँ गोया मतलब गोवा, तो भाई गोया घूमने जाना है और वहाँ पे ना कैटरिंग की सर्विस कह रहे हैं 5000 बच्चा, बट मैं तो यार 500-1000 बच्चों तक ही दे सकता हूँ, तो क्या तुम मुझे सर्विस दे पाएगा? कह रहा मैं दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसने मुझे मना क्यों नहीं किया कोई बताएगा, उस कैटरिंग वाले ने मुझे मना क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वो एक बार मना करता तो लाइफ टाइम मैं समझ जाता वो इतने बच्चे हैंडल ही नहीं कर सकता। यस सर, यस यस यस, आपको मैंने पहले भी कहा था कई लोग GST में रजिस्ट्रेशन करवाते ही इसलिए हैं ताकि उनका काम बढ़ जाए, क्योंकि अगर वो बोलेंगे अनरजिस्टर्ड हैं लोग कम आएंगे। और सेम वही कह रहा है जो 500 लोग हैंडल कर सकता है वो कह रहे हैं 5000 लोग हैंडल करूंगा, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने आज मना कर दिया, अगर कल विवेक सर के 10000 बच्चे होंगे और फिर अगर गोया की बजाय मान लो मॉरिशस घूमने जाना होगा, क्या पता विवेक सर घुमाने बच्चों को सारे ले जाएं, मॉरिशस घूमने जाना होगा, केमैन आइलैंड घूमने जाना होगा, ठीक है फिर मतलब और कहीं जगह भी तो हो सकती है, इतनी अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जाना होगा, तो क्या पता वो सारा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिले, और अगर मान लो आज ही मना कर दूंगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा ही नहीं। अब उस कैटरिंग वाले ने क्या किया, दूसरे कैटरिंग वाले से बात की और दूसरे कैटरिंग वाले को बोला भाई 4000 बच्चों की तू प्रोवाइड करवा दे, 1000 बच्चों की मैं, अब तू बता तू कितने रुपये लेगा। अच्छा मुझे नहीं पता, इधर सुना इधर, मुझे नहीं पता वो दूसरे कैटरिंग वाले से बात कर रहा है, मुझे नहीं पता वो अपने आप बात कर रहा है। उसने बात की उस कैटरिंग वाले ने बोला मैं इतने रुपए लूंगा, इस कैटरिंग वाले ने बोला 5000 बच्चों के मैं आपसे 5 लाख रुपए चार्ज करूंगा। मैं कहा ठीक है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है इस 5 लाख पे जो कैटरिंग वाला GST चार्ज करेगा क्या वह ITC क्लेम कर पाऊंगा? आंसर इज नो। बट हाँ उस कैटरिंग वाले ने जिस कैटरिंग वाले से सर्विस ली तो वो दूसरे कैटरिंग वाला
इस कैटरिंग वाले को जो इनवॉइस रेज करेगा और जो वो जीएसटी चार्ज करेगा, तो ये कैटरिंग वाला आईटीसी क्लेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन की इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई सेम है। बच्चा अगर समझ नहीं आया, क्यों समझ नहीं आया भाई, एक बात बताना, इस कैटरिंग वाले ने सर्विस ली कौन सी है पीछे से, कैटरिंग की, आगे दी भी कौन सी है, कैटरिंग की। तो अगर कैटरिंग वाले ने कैटरिंग की सर्विस लेकर कैटरिंग की सर्विस दी है, तो जो 4000 बच्चों का जो भी जीएसटी पे किया होगा इस कैटरिंग वाले ने, उस कैटरिंग वाले को तो ये आईटीसी क्लेम कर पाएगा। तो यही बात तो लिखी है, देखो जी, इनवर्ड सप्लाई अगर आउटवर्ड सप्लाई सेम है तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज इन चीजों को आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते जी। ठीक है, बाकी डिटेल में हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, उम्मीद करूंगा आपको रिकॉल हो गया होगा। उसके बाद एक और, मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर, मतलब अगर क्लब की मेंबरशिप मिलती है, आप हेल्थ क्लब के मेंबर हो, फिटनेस सेंटर के मेंबर हो, उसकी मेंबरशिप की जो फीस है, उस फीस पे जो भी जीएसटी पे किया, उस जीएसटी का आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद जी, गवर्नमेंट के लिए ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉई ऑन द वेकेशन सच एज लीव ट्रैवल कंसेशन। याद करो जी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को एलटीसी देते हैं जी। अब अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को एलटीसी दी, तो एलटीसी पर जो भी जीएसटी पे किया होगा, मतलब घूमने फिरने पर जो भी जीएसटी पे किया होगा, उस जीएसटी का आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। बट यहां पे एक अमेंडमेंट आई हुई थी, अमेंडमेंट ये बात कहती है, अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को स्पेसिफिकली बोला जी आपको ये चीज देना कंपलसरी है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को स्पेसिफिक बोला है कि आपको ये चीज देना कंपलसरी है, मतलब एम्प्लॉई का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, एम्प्लॉई का लाइफ इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, एम्प्लॉई को कैब की सर्विस देना जरूरी है, अगर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है कि ये सर्विस देना जरूरी है, उस केस में फिर गवर्नमेंट बोलती है कि तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वैसे ब्लॉक है, बट अगर किसी एक्ट में लिख दिया है कि ये सर्विस देना जरूरी है, फिर उस सर्विस पर तुम आईटीसी क्लेम कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है, उसके बाद एक और, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई सेम। इसका मतलब कह रही हूँ, अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली गई है, याद करो आपको मैंने सप्लाई के चैप्टर के अंदर भी कहा था वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, जहाँ पे लेबर प्लस मटेरियल एक साथ होते हैं जी। अब मान लो मैंने ठेकेदार की सर्विस ली है, मैंने ठेके की सर्विस ली किसका जी, अगर मैंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब लैंड और बिल्डिंग, अगर मैंने लैंड बिल्डिंग से रिलेटेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है, उस पर जो भी जीएसटी पे किया होगा, मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊंगा। बट अगर इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई सेम है तो आईटीसी क्लेम कर पाओगे, मुझे फटाफट से बोल देना। इसका मतलब क्या है, अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस देने वाले ने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की ही सर्विस ली होगी, तो उसने जो उसको जीएसटी पे किया होगा वो आईटीसी क्लेम कर लेगा, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी। उसके बाद देखो जी, आईटीसी कहां पे ब्लॉक कर दिया, गुड्स और सर्विस रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। मतलब अगर कंस्ट्रक्शन की सर्विस है, अगर कंस्ट्रक्शन की सर्विस के लिए कोई गुड्स और सर्विस आपने रिसीव किए, मतलब आपने कोई मान लो ब्रिक्स परचेज किए हैं, सीमेंट परचेज किया आपने, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे पर्सनल ऑफिस बनाना है, उस ऑफिस बनाने के लिए क्या लगेगी, ईंटें लगेंगी, सरिया लगेगा जी, सीमेंट लगेगा, रेत लगेगा, तो गवर्नमेंट के लिए उस पर जो भी जीएसटी पे किया होगा उसका तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, ब्लॉक किया हुआ है। उसके बाद जी, गुड्स और सर्विस रिसीव बाय एनआर एक्सेप्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब अगर कोई एनआर होगा, अगर कोई नॉन रेजिडेंट होगा, वो जो भी सर्विस या गुड्स परचेज कर रहा है उस पर जो भी वो जीएसटी पे करेगा वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। बट अगर उसने कोई गुड्स इंपोर्ट की है, अगर उसने कोई गुड्स इंपोर्ट की है, उस गुड्स के इंपोर्ट पर वो जो भी जीएसटी पे करेगा वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, उसको छोड़ के वो किसी काम का आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, रीजन बिंग 17(5) में ब्लॉकेज। उसके बाद जी, गुड्स और सर्विस यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, आपको मैंने कल भी कहा था, आप सोच के बोलना ये चिप्स का पैकेट, एक बच्चा कई दिनों से कह रहा है सर मुझे दे दो, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है जी, आपके खुद चिप्स की दुकान है बट इस चिप्स को मैं खुद कंज्यूम कर रहा हूँ, अब अगर इस चिप्स को मैं पर्सनल कंज्यूम करूंगा तो इस चिप्स पर मैंने जो भी जीएसटी पे किया होगा क्या मैं आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा, आंसर इज नो। देखो गला वही लिखा है, अगर आपने गुड्स और सर्विस को पर्सनल कंजम्पशन में यूज किया होगा उस केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, आईटीसी आपका ब्लॉक है। उसके बाद जी, अगर आपका गुड्स लॉस्ट हो गया, गुड्स आपका चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया और डिस्पोज ऑफ हो गया बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, आपने फ्री सैंपल की तरह गिफ्ट बांट दिया, आपने गिफ्ट की तरह मतलब गिफ्ट किसी को दे दिया जी, आपका गुड्स चोरी हो गया, गुड्स लॉस्ट हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस केस में आईटीसी ब्लॉक है, आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट है, एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74, 129 और 130। इसका मतलब क्या है, जो आपने जीएसटी सही टाइम पर पे नहीं किया, आपने मान लो गवर्नमेंट से इनकम छुपाई थी, गवर्नमेंट से आपने वैल्यू छुपाई थी, उस वैल्यू पर आपका जीएसटी एडिशनल बनता था और गवर्नमेंट ने वो जीएसटी पकड़ लिया, तो जो आपने जीएसटी चोरी किया था, जो चोरी वाला जीएसटी पकड़ा गया, उस चोरी वाले जीएसटी पर कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। ठीक है,
बच्चा कह रहा है सर एक बात बताना, क्या ये हमें 11 के 11 पॉइंट याद करने पड़ेंगे? आंसर इज यस सर, आंसर इज यस। मैं दोबारा बोल रहा हूँ 17.5 में आप किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते सर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ 17.5 में सर इतने बढ़िया समरी नोट्स आपके पास हैं, मैं सही बता रहा हूँ, इससे बढ़िया समरी नोट्स आपको नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। ये बहुत शिद्दत से बनाए गए हैं और बहुत ज़बरदस्त बनाए गए हैं। तो अगर आप इस समरी नोट्स, अगर आप इस समरी नोट्स को भी सही ढंग से पढ़ लोगे ना, आपको मैं दिखा दूंगा 100% एग्जाम आपको इसके अंदर कवर होगा, प्रोवाइडेड आपने सही ढंग से पढ़े हो। अब मुझे फटाफट से बोल दो 11 काम कौन कौन से हैं, एक बार फटाफट से लास्ट टाइम पढ़ते हैं, देन 17 को पैकअप करेंगे। सेक्शन 17 ना एक बार दोबारा बोलो जी, पूरी क्लास सीधे हो जाओ। कई बच्चे देख लो चैट बॉक्स में लगे हुए हैं, कई बच्चे चैट बॉक्स में ना अपना ही राग अलाप रहे होते हैं, उनको कोई इस संसार से लेना देना ही नहीं है। वो तो आए हैं, वो कह रहे हैं आज मैं एक जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेर वाली माता दर्शन पाएंगे, हम तो सर यहाँ बातें करने के लिए आए हैं, सब मोहमाया सर, खाली आता है तो खाली हाथ जाना है, इस नश्वर संसार से क्या लेके जाएंगे सर, ब्रह्मांड में तो हम वैसे ही आए हैं, हम तो सिर्फ यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज डिस्टर्ब करने के लिए आए सर, हमारा और कोई काम ही नहीं है। आपको मैंने पहले भी कहा था चैट मत करना, जो भी डाउट्स हैं वो लिखते रहो, बाद में कमेंट बॉक्स में डाल देना, कम से कम रिवीजन तो खराब मत करो सर। बट कई बच्चों की ना आदत ही होती है एक मैसेज को 20 बार टाइप करने की, वो सुन नहीं रहे, अभी भी कई बच्चे हैं बातें सुन नहीं रहे, बस पता क्या करते हैं लाइन सिलेक्ट ऑल कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, उधर चल रहा है, उधर चल रहे हैं प्रोविजन, बच्चा यहाँ पे कर रहा है पेस्ट 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 प्रोविजन पेस्ट प्रोविजन पेस्ट, बच्चे का सारा प्रोविजन ही उड़ गया। क्यों? बच्चा कह रहा है पहले इसका मुझे आंसर दो, अगला प्रोविजन तो बाहर में चला गया। ये कई नालायक बच्चे ऐसे हैं सर, फायदा क्या उसका एक बात बताओ, उससे फायदा क्या होगा? क्या वो कौन जो डाउट आप पूछ रहे हो क्या वो 100 नंबर का आना है? 100 नंबर का नहीं आना, ये बात तो क्लियर है। और अगर मान लो वो डाउट आपका इतना दिमाग खराब कर रहा है कि आपके बाकी प्रोविजन गायब हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है आपके लिए। तो बेटर क्या है, उसको लिख लो सर, उसको लिख लो। मैंने पहले भी कहा था ये मैं समझाने नहीं आया जीएसटी आपको सर, क्योंकि समझाने में तो 120 से लेकर 150 घंटे लगते हैं, वो होता समझाना, ये होता है रिवाइज करवाना, मैं रिवाइज करवाने के लिए आया हूँ। बट फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपके डाउट्स ना हो, बट अगर फिर भी आ रहे हैं तो उसको लिखते रहो, बाद में डिस्कस कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में डाल देना। कल भी कई बच्चों ने डाले थे और बच्चों ने उसका रिप्लाई भी किया था, और इवन मैं भी रिप्लाई करता हूँ कई बार, बट अगर अभी उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, चलो जी, बच्चा कह रहे ठीक है सर, ओके ओके। तो फटाफट 17 बताओ जी, सेक्शन 17 की हेडिंग क्या थी? अपोर्शनमेंट और ब्लॉकेज की बात थी। अपोर्शनमेंट कहाँ कहाँ पे होगा? अगर मैं कोई सामान लेकर आया उसको मैंने यूज़ किया, फटाफट से बोला यूज़ कहाँ पे किया? बिजनेस में, पर्सनल में, बिजनेस वाले का मिलेगा, पर्सनल वाले का नहीं मिलेगा। फिर एग्जम्प्टेड में, टैक्सेबल में, एग्जम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा, टैक्सेबल वाले का मिलेगा जी। बैंकिंग कंपनी वाले के इसमें दो ऑप्शन है, या तो वो एक्चुअल बेस यूज़ करे या वो नोशनल यूज़ करे। एक्चुअल का मतलब क्या होगा? एग्जम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा, टैक्सेबल वाले का मिलेगा। और नोशनल मीन्स क्या होगा? पूरा ITC क्लेम करके 50% ITC रिवर्स कर दे, ये हो गया नोशनल। फिर अगला मैंने बोला 17.5 में कुछ केस में ITC ब्लॉक है। पहला केस क्या कह रही? मोटर व्हीकल वाले केस में, सारे मोटर व्हीकल नहीं, ओनली पैसेंजर मोटर व्हीकल, और पैसेंजर वाले भी सारे नहीं, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक होगी इंक्लूडिंग ड्राइवर, वो ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे। बाकी सब लोग ITC क्लेम कर सकते हैं, बट जिन केस में ब्लॉक है वो भी ITC क्लेम कर सकते हैं। इन चार केस के अंदर पहला केस अगर आपका काम गाड़ियों में डीलिंग करना है जी, दूसरा केस अगर आपका काम गाड़ियों की ट्रेनिंग देना है, उनको गाड़ी को सिखाना है, अगर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन है, और अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है, इन केस में ITC क्लेम कर पाओगे, नहीं तो ITC क्लेम नहीं कर पाओगे। फिर जहां जहां मोटर व्हीकल का ITC क्लेम कर सकते हो, उनकी सर्विस अगर लोगे तो भी ITC क्लेम करोगे, और जहां ITC क्लेम नहीं कर सकते उनकी सर्विस पर भी ITC क्लेम नहीं कर सकते। फिर मैंने बोला जी फूड बेवरेज हो गया, कैटरिंग की सर्विस हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस हो गया, कॉस्मेटिक की सर्विस हो गया, प्लास्टिक सर्जरी की सर्विस हो गया, उस केस में ITC क्लेम नहीं कर पाओगे। बट अगर इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई सेम होगी तो ITC क्लेम कर पाओगे। अगला फिर मेंबरशिप ऑफ क्लब हो गया, फिटनेस सेंटर हो गया जी, हेल्थ सेंटर हो गया, उन केस में जो भी आप फीस पे करोगे उस फीस पे जो GST पे करोगे ITC क्लेम नहीं कर पाओगे। अगला फिर मैंने बोला LTC लीव ट्रेवल कंसेशन, ITC क्लेम नहीं करोगे। बट अगर गवर्नमेंट ने कहा ये देना कंपलसरी है, उस केस में तुम ITC क्लेम कर पाओगे। वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, आप ITC क्लेम नहीं कर पाओगे। बट अगर इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई सेम है, आप ITC क्लेम कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन की सर्विस के लिए आपने कोई भी गुड्स और सर्विस ली, उस केस में ITC क्लेम नहीं कर पाओगे। अगला फिर पॉइंट गवर्नमेंट कहती है, अगर गुड सर्विस रिसीव की है NR ने, तो वो NR ITC क्लेम नहीं कर पाएगा। रीजन बिंग
गवर्नमेंट कह रही है वो बाहर का रहने वाला है, वो यहाँ के जीएसटी का आईटीसी क्लेम करेगा, बट अगर उसने कोई गुड्स इंपोर्ट किया होगा उस पर जो जीएसटी पे किया होगा वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। उसके बाद जी अगर कोई गुड्स और सर्विस यूज की है पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। और लास्ट में अगर गुड्स लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, स्टोलन हो गया, उस केस में आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। और अगर कोई चोरी वाला जीएसटी पकड़ा गया, उस चोरी वाले जीएसटी के आईटी मतलब जो भी जीएसटी तुमने पे किया उसका तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे लिखी है जी। तो फाइनली अब जाके जी 1 से लेके 11 तक हमारे पॉइंट यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था जी सेक्शन नंबर 17। उसके बाद जी फिर हमारा सेक्शन 18 है। अब सेक्शन 18 देखो जी, 18 क्या कहता है, सेक्शन 18 कहता है जी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस। सेक्शन 18 में बिल्कुल सिंपल है। अब सेक्शन 18 क्या है वो सुना ध्यान से जी, 18 क्या कहता है। अब ये स्पेशल सर्कमस्टांसिस का मतलब क्या है सर, एक बात मुझे सोच के बताओ, एक बात मुझे सोच के बताओ। एग्जांपल देता हूं जी आपको, आप मुझे आंसर देना, मेरा एक क्वेश्चन होंगे आपके आंसर होंगे। इधर देखो ध्यान से, कोई बातचीत ना करे जी, कोई बातचीत ना करे, हमारी 20 से 25 मिनट और क्लास चलेगी। तभी मैंने आज सेशन थोड़ा जल्दी रखवाया था, आपका सेशन रखवा दिया था और मैंने 8:30 बजे, ठीक है ना, क्योंकि 8:30 से मुझे पता था कि हमारे 9:30-10 बजेंगे ताकि 10 बजे हम लाइव आ जाएं, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इतनी सुपर फास्ट करवा दूं कि समझ ही ना आए। बेटर ये है कि 15-20 मिनट लेट हो जाएं, बट जो हम करें उससे रिवीजन हमारी बढ़िया से हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा समझ में जबरदस्त तरीके से आ रहे, क्योंकि समझा आपने पहले हुआ है, आपने क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है, रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाए हमारी। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी, एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस एग्जाम्पल के मुझे आंसर देना। मान लो एक पर्सन है, ये पर्सन जीएसटी में ना अनरजिस्टर्ड है, मतलब ये पर्सन अभी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। और जब ये पर्सन अनरजिस्टर्ड है, इसकी करियाने की दुकान है, इसकी करियाने की दुकान है, और अगर इसकी करियाने की दुकान है, मान लो जब ये पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो ये 100 चिप्स के पैकेट लेकर आया, ये 100 चिप्स के पैकेट लेकर आया। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब ये पर्सन अनरजिस्टर्ड है और जब ये 100 चिप्स के पैकेट लेकर आया है, तो क्या इस 100 चिप्स के पैकेट पर जब इसने परचेज किए होंगे ये पैकेट, क्या उस पर जीएसटी पे किया होगा, नहीं पे किया होगा, मुझे आंसर दो जी। एक पर्सन अनरजिस्टर्ड है, एक पर्सन अनरजिस्टर्ड है, उसकी करियाने की दुकान है, वो 100 चिप्स के पैकेट लेकर आया, क्या उस 100 चिप्स के पैकेट पर इस पर्सन ने जीएसटी पे किया होगा, नहीं पे किया होगा। बहुत बढ़िया, कमाल कमाल कर रहे हो सर, कमाल कर रहे हो, वाकई नॉलेज दिखा रहे हो आप। कई बच्चे कह रहे हैं नहीं पे किया होगा, मैं कैसे बोलूं, ये नलायक वाली कैटेगरी में भी नहीं आते। सर क्यों नहीं पे किया होगा, मतलब क्या आपके दिमाग में कहीं ये तो नहीं चल रहा कि जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है वो जीएसटी क्यों पे करेगा। मेरे बच्चे, जो पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, पे तो करेगा ना। वो एक बात मुझे बताओ, आप जितने बच्चे यहां पे सारे बैठे हो, क्या आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो? नहीं, मेरे को आप क्लियर करो, क्या आप सब लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हो? आंसर इज नो। आप सब क्या हो, जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो। और जब आप सब लोग जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो, तो क्या जो भी आप सामान परचेज करके आते हो, क्या उस पर जीएसटी पे नहीं करके आते? सर जीएसटी पे करके आते हो, आपने कभी बिल उठा के देखा ही नहीं है। मैं एक नॉर्मल कस्टमर हूं, मैं हल्दीराम के पास गया, मैंने 100 रुपए की दाल की चोरी खाई, क्या उस 100 रुपए की दाल की चोरी में जीएसटी नहीं होगा? ऑब्वियस बात है जीएसटी होगा भाई। सिंपल सी बात है, जीएसटी देना ना देना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप रजिस्टर्ड हो अंडर रजिस्टर्ड हो, जीएसटी चार्ज करना या नहीं चार्ज करना वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या हो। तो मैं जीएसटी चार्ज करने की बात नहीं कर रहा, मैं जीएसटी देने की बात कर रहा हूं। तो ये बात तो क्लियर है कि जब मैंने ये 100 चिप्स के पैकेट परचेज किए होंगे तो उस टाइम मैंने जीएसटी पे तो किया होगा, बट प्रॉब्लम क्या होगी, मुझे आईटीसी नहीं मिला होगा, रीजन बिंग मैं अनरजिस्टर्ड हूं। ये बात सही है जी। और कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था कि सर बिल्कुल आपने जीएसटी पे किया होगा, बट आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया होगा, रीजन बिंग क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो। अच्छा, अब मैंने क्या किया जी, मैंने जीएसटी में ना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, मैंने करवा लिया जी, और मान लो मैंने अपनी मर्जी से करवा लिया या मैं लाइबल हो गया, किसी भी तरह से मैंने करवा लिया जी, भाई चाहे मैं लाइबल हुआ चाहे अपनी मर्जी से, बट मैंने करवा लिया। और जब मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हुआ, अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड होने के बाद जब मैं फिर दोबारा 100 चिप्स के पैकेट लेके आऊंगा, क्या मैं जीएसटी पे करके आऊंगा? आंसर इज यस, पे करके आऊंगा। क्या मैं इस जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर लूंगा? 100% क्लेम कर लूंगा, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं। मतलब ये बात तो क्लियर हो गई
कि जब मैं अनरजिस्टर्ड था तो भी मैंने जीएसटी पे किया होगा, जब मैं रजिस्टर्ड हूं तो भी जीएसटी पे किया होगा। दोनों में फर्क एक आ रहा है, अनरजिस्टर्ड वाले टाइम पर मैंने आईटीसी क्लेम नहीं किया होगा, रजिस्टर्ड वाले टाइम पर मुझे आईटीसी मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन ये है कि जब मैं अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में आया, जब मैं अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में आया, तो जिस दिन मैं रजिस्टर्ड बना, जिस दिन मैं रजिस्टर्ड बना, उस दिन मेरे पास 20 चिप्स के पैकेट जो हैं वो पुराने पड़े थे जी। मेरे पास 20 चिप्स के पैकेट पुराने पड़े थे, 80 सेल कर चुका था, 100 लाया था उसमें 80 मैंने सेल कर दिए, उसमें मैंने जीएसटी चार्ज नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड था, बट 20 चिप्स के पैकेट मेरे पुराने बचे हैं। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जो 20 चिप्स के पैकेट मेरे पुराने बचे हैं, अब मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हो चुका हूं, तो क्या अगर ये चिप्स के पैकेट अब मैं बेचूंगा तो क्या जीएसटी चार्ज करूंगा? 100% यस करूंगा। एक बच्चा कह रहे हैं नालायक मुझे ना अब चेयर से खड़ा होना ही पड़ेगा, मेरा मन कर रहा है उस बच्चे का ना मैं कान पकड़ लूं। बच्चा कह रहा है सर इस पे जीएसटी आप चार्ज नहीं करोगे। इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ। पापा बैठे हैं साथ, पापा बैठे हैं, पापा के सामने कान पकड़ूं? पापा क्या मेरे को, पापा मेरे को गुस्से होंगे कि ओए मेरे बच्चे कान पे कैसे पकड़ रहा है? अंकल पकड़ने जरूरी है, ये नालायक बच्चे। अंकल मैं बताऊं क्या, आप खुद बताओ अंकल, ये कह रहे हैं कि जो 20 चिप्स के पैकेट हैं अगर वो सेल करोगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगे अंकल? अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हो चुका हूं तो चाहे 20 हो, चाहे 40 हो, चाहे 100 हो, अब तो हर सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये 20 चिप्स के पैकेट ऐसे हैं, ये मैंने उस टाइम परचेस किए थे जब मैं अनरजिस्टर्ड था, मैंने जीएसटी पे किया था बट मैंने आईटीसी क्लेम नहीं किया था, रीजन बीइंग क्योंकि अनरजिस्टर्ड था। बट अब जब मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूं तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इस 20 चिप्स के पैकेट पर जो मैंने जीएसटी पे किया था, क्या उसका मुझे आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? सेक्शन 18 अब यह बात कहता है यस मिल जाएगा। तो मैं सेक्शन 18 में ना आपको यही सिखाने जा रहा हूं जी, यही रिवाइज करवाने जा रहा हूं कि याद करो आपने क्लास में किया होगा कि अगर एक पर्सन अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड वाली कैटेगरी में कवर होता है तो जितना बचा हुआ स्टॉक होता है रजिस्ट्रेशन से पहले का, उसका वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हां, जो वो रजिस्टर्ड होने के बाद सामान परचेज करेगा, दोबारा बोलूंगा जी, जो वो रजिस्टर्ड होने के बाद सामान परचेज करेगा उस पर तो वैसे ही क्लेम कर पाएगा, उस पर तो वैसे ही क्लेम करेगा। बट जब वो अनरजिस्टर्ड था, उसका कोई स्टॉक अभी बचा हुआ है, तो जब वो रजिस्टर्ड होगा उससे पहले का जो स्टॉक बचा होगा उस पर आईटीसी क्लेम कर लेगा जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखो जी 18 में क्या लिखा हुआ है, देखो जी, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में जा रहे हैं, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, तो देखो जो स्टॉक परचेज किया था, मतलब जो चिप्स के पैकेट परचेज किए थे, कंज्यूम कर दिए मतलब बेच दिए, तो जीएसटी दिया होगा, आईटीसी मिला नहीं होगा, रीजन बीइंग आप अनरजिस्टर्ड थे। बट जो चिप्स के पैकेट परचेज किए थे बट अभी स्टॉक बचा है, कंज्यूम नहीं किए, तो उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, 18(1)(a) ये बात कहता है जी, ठीक है। अब बेयर लो सर आपके सामने है, ये एक्ट सीजीएसटी है जो मैं क्लास में कई बार खोल के दिखाता हूं जी, और मैंने इवन रिवीजन क्लास में भी कई बार खोल के दिखाया है कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि उनको कई बार दिक्कत होती है, बट अब इसकी बातें नहीं कर रहे। आप जाओगे यहाँ पे सेक्शन 18 आपको मिल जाएगा बेयर एक्ट के अंदर, तो यहाँ जो बातें वहाँ लिखी हैं उस सारी बातों को मैंने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया जी, ठीक है। क्योंकि हमारे एग्जाम में जब एग्जाम के अंदर बैठेंगे, दिमाग में डायग्राम ही चलना चाहिए सर, दिमाग में डायग्राम ही चलना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन बने हम गलती ना करके आए जी। तो बस ये बात ध्यान देना जी, रजिस्टर्ड होने के बाद तो वैसे ही क्लेम कर सकते हो, अगर आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हुए तो इससे पहले का जो स्टॉक बचा होगा उसका भी तुम आईटीसी क्लेम कर पाओगे। उसके बाद एक और, अगर मैं अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हुआ अपनी मर्जी से, तो भी गवर्नमेंट कह रही है कि जो स्टॉक तुम्हारे पास बचा होगा उसका तुम आईटीसी क्लेम कर पाओगे। अच्छा अब बताना जी, अगर मैं कॉम्पोजिट स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आ रहा हूं, आपने बोलना जी, अगर मैं कॉम्पोजिट स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आ रहा हूं, अब जब मैं कॉम्पोजिट स्कीम में होऊंगा तो क्या उस टाइम जो मैंने सामान परचेस किया होगा उसका मैंने आईटीसी क्लेम किया होगा? आंसर इज नो। जब मैं कॉम्पोजिट स्कीम में होऊंगा, जब मैंने जीएसटी पे किया होगा उसका मैंने आईटीसी क्लेम किया होगा? आंसर इज नो। तो गवर्नमेंट कह रही है अब तुम कॉम्पोजिट स्कीम से अगर नॉर्मल स्कीम में आ रहे हो तो जो तुम्हारा स्टॉक बचा होगा उस टाइम का जब तुम कॉम्पोजिट स्कीम में थे उसका भी तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और कमाल की बात जी, कमाल की बात, जो ऊपर वाले ए और बी क्लोज है ना, ये ए और बी क्लोज है, इसमें सिर्फ आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, इनपुट का कैपिटल गुड्स का क्लेम नहीं कर सकते। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो 18(1) का क्लोज नंबर ए और क्लोज नंबर बी है उसमें इनपुट का क्लेम कर सकते हो, और बी और सी जो मैं कराने जा रहा हूं उसमें इनपुट का तो क्लेम कर ही सकते हो, कैपिटल गुड्स का भी क्लेम कर सकते हो।
और आप सब जानते हो सर। अब मुझे ये मत पूछना सर कैपिटल गुड्स कैसे, याद करो कैपिटल गुड्स वाले केस के अंदर मैंने क्या कहा था जी, कैपिटल गुड्स वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि जो आपका ITC बनता होगा उसमें 5% ईच क्वार्टर, ये रूल नंबर 40 आपका है जी। तो आपके एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी कई रूल्स एप्लीकेबल हैं। अब मैं रूल के नाम नहीं ले रहा ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, बस इतनी बात ध्यान देना कैपिटल गुड्स वाले केस में 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद जो बैलेंस आता है उतना ITC आप क्लेम कर लोगे कैपिटल गुड्स में, और इनपुट वाले केस में जितना स्टॉक बचा होगा उसका जो भी GST होगा वो ITC क्लेम कर लोगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर कॉम्पोजिट से नॉर्मल स्कीम में जा रहे हो तो उस केस में जो इनपुट का स्टॉक बचा होगा उसका ITC क्लेम कर लोगे, और कैपिटल गुड्स देखो ITC अलाउड ऑन कैपिटल गुड्स ऑल्सो बट आफ्टर रिडक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब परसेंटेज, कितनी जितना कैपिटल गुड्स पे ITC है वो माइनस में 5% ईच क्वार्टर और पार्ट, ये माइनस करने के बाद जो बैलेंस होगा उतना ITC क्लेम कर लोगे, ये बात ध्यान दो जी। एक बच्चा कह रहा है सर प्लीज एक क्वेश्चन करवा दो सर, ये कैपिटल गुड्स वाला ना हमें पहले भी समझ में नहीं आता था और अब फिर वही हो रहा है, मतलब रिवीजन तो हो गई है बट एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिकल कैसे बनेगा वो समझ में नहीं आ रहा। चलो ऐसा करता हूँ, एक बार पॉइंट नंबर सी पढ़ लिया, एक बार पॉइंट नंबर डी भी पढ़ लो, फिर CD पढ़ने के बाद ना एक एग्जाम्पल करवा दूंगा जी। बस अब तो खुश हो, खुश रहा करो यार, चेहरे पे ना स्माइल होनी चाहिए, ये उदास चेहरे मत मेरे सामने लेके आया करो जी, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो जी, इस केस में बस ये बात ध्यान दो इनपुट का जो स्टॉक बचा होगा उसका क्लेम कर लोगे, कैपिटल गुड्स वाले केस में जो भी आपका होगा उसका 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद जो होगा वो क्लेम कर लोगे। अच्छा अब अगर मेरी सप्लाई एग्जम्प्टेड है, अब ये सप्लाई टैक्सेबल हो गई, आपने बोल देना जी जब मेरी सप्लाई एग्जम्प्टेड होगी तो आगे खून ही नहीं होगा। सर जब मेरी सप्लाई एग्जम्प्टेड होगी, मान लो मैंने प्लास्टिक से पेन बनाया, अब अगर प्लास्टिक से पेन बनाया पेन GST में एग्जम्प्ट है, मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है जी, अगर मैंने प्लास्टिक से पेन बनाया पेन GST में एग्जम्प्ट है तो जो मैंने प्लास्टिक पर GST पे किया होगा क्या उसका ITC क्लेम किया होगा? आंसर इज नो, क्योंकि पेन एग्जम्प्ट है। अच्छा अब GST काउंसिल ने ये रिकमेंड कर दिया कि अब से पेन टैक्सेबल होगा, और अब से पेन टैक्सेबल होगा तो आज के बाद से इस पेन के लिए जो प्लास्टिक लेकर आऊंगा उस पर जो GST पे करके आऊंगा उसका मुझे ITC मिल जाएगा। बट मान लो 20 किलो का प्लास्टिक मेरा पहले का पड़ा है, सर 20 kg प्लास्टिक मेरा पहले का पड़ा है, कब का पड़ा है? जब ये सप्लाई एग्जम्प्टेड थी, मैंने ITC क्लेम नहीं किया था, तो क्या उस 20 किलो पुराने प्लास्टिक का अब मैं ITC क्लेम कर पाऊंगा? आंसर इज यस, क्लेम कर पाऊंगा। फोर्थ पॉइंट ये बात कह रहा है कि अगर तुम्हारी सप्लाई पहले एग्जम्प्टेड थी, अब एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल हो रही है, उस केस में जो तुम्हारा बचा हुआ स्टॉक है उसका तुम ITC क्लेम कर लोगे, और कैपिटल गुड्स वाले केस में वही सेम ट्रीटमेंट करोगे जो तुमने क्लोज नंबर सी में किया। लो जी अब मैं आपको बताता हूं जी, अब मैं आपको बताता हूं ये कैपिटल गुड्स वाले केस में ट्रीटमेंट कैसे करना है। एक बार ये देख लिया, ये देख लिया 18(1) का COD, ऐसे ही ना 18(4) भी देख लो, एक बार 18(4) भी देख लो, क्योंकि 18(4) और 18(1) आपस में ऑलमोस्ट सेम है। सेम कैसे हैं? वहां पे मैंने क्या बोला है, कॉम्पोजिट से अगर नॉर्मल स्कीम में आ रहे हो, अगर कॉम्पोजिट से नॉर्मल स्कीम में आ रहे हो तो जो बचा हुआ स्टॉक है उसका ITC क्लेम कर सकते हो, और अगर आप टैक्सेबल्स अगर आप एग्जम्प्टेड सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई में आ रहे हो तो जो बचा हुआ स्टॉक है वो ITC क्लेम कर पाओगे। कैपिटल गुड्स वाले केस में 5% की बात है। 18(4) कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पर्सन अभी नॉर्मल स्कीम में है, एक पर्सन अभी नॉर्मल स्कीम में है, जो भी चीज लाता है उस पर GST पे करता है, ITC क्लेम कर लेता है, बट अब वो नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिट स्कीम में आना चाह रहा है, अगर वो नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिट स्कीम में आना चाह रहा है तो जो बचा हुआ स्ट्रोक होगा उसका जो उसने ITC क्लेम किया होगा उसको रिवर्स करना पड़ेगा। बिल्कुल लॉजिकल है मेरे बच्चे। एक बात बताओ, एक बच्चे ने तो भाई साहब सिर पे ना पट्टी बांध ली, कह रहा है एक मिनट रुको यार मेरे ना वो गरम गरम पट्टी रखो सिर पे, सिर में बहुत ज्यादा बर्डन हो गया। होगा ही बर्डन, जब ये प्रोविजन आपने पहले सही ढंग से पढ़े नहीं होंगे तो सिर दर्द ही होगा नालायकों। इसको थोड़ा सा ना वीडियो को पीछे करके दोबारा सुन लेना, और नोट्स जो आपके हाथ में है उसको ध्यान से पढ़ लेना जी, क्योंकि 18 में से क्वेश्चन पक्का बनता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ 16, 17, 18 ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जहाँ क्वेश्चन भर भर के बनते हैं और बच्चे को पता ही नहीं होता करना क्या हमें, और इतने सिंपल प्रोविजन, इतने सिंपल जिसकी कोई हद नहीं है। अब एक बात बताओ मैंने क्या कहा सर, बिल्कुल लॉजिकली तो कह रहा हूँ, लॉजिकल मैं क्या कह रहा हूँ, एक बात बताओ आपने फादर पे एग्जांपल लेना, अगर पापा सामने बैठे हैं पापा से पूछना, पापा अगर आप जो भी काम कर रहे हो अगर आप कॉम्पोजिट स्कीम में हो क्या आप ITC क्लेम करते हो? पापा बोलेंगे नहीं। अब अगर कॉम्पोजिट से नॉर्मल में जा रहे हैं, कुछ स्टॉक बचा हुआ है तो क्या ITC क्लेम मिलना चाहिए? यस, सेक्शन 18 ने वही कहा। बट आपके फादर ये भी तो हो सकते हैं कि अभी वो नॉर्मल स्कीम में है,
अभी वो नॉर्मल स्कीम में है, सारा आईटीसी क्लेम करते हैं, बट अब नॉर्मल से कॉम्पोजिट में जाना चाह रहे हैं, तो जो बचा हुआ स्टॉक हो गया, क्या आपके फादर को उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? यस करना पड़ेगा ना, 18-4 उसका ही है बस। 18-4 यही बात कहना चाह रहा है, अगर नॉर्मल से तुम कॉम्पोजिट में जा रहे हो तो जो स्टॉक परचेज किया सप्लाई हुआ वो तो चला गया, आईटीसी क्लेम कर लिया, बट जो स्टॉक अभी बचा हुआ है उसका आईटीसी तुम्हें अलाउड नहीं होगा, तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा। और कैपिटल गुड्स वाले केस में भी सेम ट्रीटमेंट है, 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद जो बचेगा ये तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर मान लो मेरा पेन अभी टैक्सेबल है, तो पेन अगर टैक्सेबल है तो जो प्लास्टिक लेके आ रहा हूं उस प्लास्टिक पर मैं आईटीसी क्लेम कर रहा हूं। मान लो जीएसटी काउंसिल ने कहा जी अब से पेन एग्जम्प्ट है, अब अगर अब पेन एग्जम्प्ट हो गया तो जो प्लास्टिक मेरा पहले का बचा होगा जिसपे आईटीसी मैंने क्लेम किया होगा वो सारा मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। अगला पॉइंट ये बात कहना चाह रहे जी। बच्चा कहता है सर कसम ले गए आपको माता रानी की, अगर आप हमें एग्जाम्पल देने से पहले गए माता रानी की कसम के बिना ही बोल दो मुझे नालायक हो। क्यों माता रानी कसम चढ़ा रहे हो? इधर देखो ध्यान से, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जी, मैं आपके 10 मिनट और लूंगा जी, मैं आपके 10 मिनट और लूंगा और एग्जाम्पल समझेंगे बढ़िया तरीके से। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे जी, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। मान लो एक मिस्टर विवेक है जी, मिस्टर विवेक है, ठीक है जी, मिस्टर विवेक ने अभी कॉम्पोजिट स्कीम ली हुई है, मिस्टर विवेक ने अभी कॉम्पोजिट स्कीम ली है 1 अप्रैल 2019 को इसने कॉम्पोजिट स्कीम ली है, और जब इसने कॉम्पोजिट स्कीम ली है इसने 100 kg प्लास्टिक परचेस किया और इस पर जीएसटी पे किया मान लो 1 लाख रुपए का, ठीक है जी, 100 kg प्लास्टिक परचेस किया उस पर जीएसटी 1 लाख रुपए का पे किया, और इसने कॉम्पोजिट स्कीम के अंदर ही एक मशीन परचेस की, एक मशीन परचेस की बिजनेस के लिए, और उस पर जीएसटी इसने पे किया मान लो 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल सुनो, नलायक नलायक बच्चा कह रहे ओए 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 हाथ कैसे लगा दिया मेरे, हाँ मेरा बच्चा हाथ, वैसे गुस्सा हो जाते हो आप तो यार, आपको समझाई तो हम सीधे के बैठो, हद हो गई बिल्कुल, बच्चा कह रहे हाथ कैसे लगा दिया। मशीन परचेस किया जीएसटी पे किया 2 लाख रुपए का, प्लीज ध्यान सुनना जी। अब हुआ क्या, हुआ क्या, 15 जुलाई 2020 को आपने कहा जी मैं नॉर्मल स्कीम में आऊंगा, 15 जुलाई 2020 को आपने कहा नॉर्मल स्कीम में आऊंगा, और जब आपने नॉर्मल स्कीम में आने की बात की आपके पास 15 kg प्लास्टिक का स्टॉक बचा था और उस पर कितना जीएसटी होगा, अगर 100 kg पे 1 लाख रुपए है तो उसमें 15,000 रुपये होगा इसका जीएसटी का, इतना बचा हुआ था जी, मतलब 15 किलो प्लास्टिक बचा था जिसमें 15,000 रुपये तुमने जीएसटी पे किया था, और ये मशीन भी, ये मशीन भी अब तुम्हारी नॉर्मल स्कीम में यूज होगी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पहले तो ये बताओ जो 15 किलो का प्लास्टिक मेरा बचा हुआ है इस पर जो मैंने 15,000 रुपये का जीएसटी पे किया था, क्या उस टाइम इसका आईटीसी मैंने क्लेम किया होगा? नालायको आंसर तो दे दो यार, क्या ये 15,000 रुपये के जीएसटी का मैंने आईटीसी क्लेम किया होगा, यस या नो? आंसर इज नो, नहीं क्लेम किया होगा। बच्चा कह रहा है यस, यस कैसे किया होगा सर, आप कॉम्पोजिट स्कीम में थे, आपने आईटीसी कैसे क्लेम कर लिया होगा, क्लेम किया ही नहीं होगा आपने, आपने नहीं किया होगा, और अगर नहीं किया होगा अब आप नॉर्मल स्कीम में आ रहे हो, 15 तारीख से नॉर्मल स्कीम में आ रहे हो, और 15 तारीख से एक दिन पहले मतलब 14 जुलाई को 15 किलो का स्टॉक बचा हुआ है जिसपे 15,000 रुपये का जीएसटी पे किया था, क्या अब इसका आईटीसी मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? यस मिल जाएगा, ये बात करता है सेक्शन 18, ये कह रहा है इसका आईटीसी मिल जाएगा, ये बात क्लियर हो गई जी। अच्छा अब आ जाओ कैपिटल गुड्स पर, अब जो कैपिटल गुड्स आपने दो जिस पे 2 लाख रुपए का जीएसटी पे किया, अब सोच समझ के बोला, आपने 2 लाख रुपए का जीएसटी पे किया, आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया होगा, रीजन बीइंग क्योंकि कॉम्पोजिट स्कीम में थे, जो भी आपने जीएसटी पे किया होगा आईटीसी क्लेम नहीं किया होगा। अब आ रहे हो नॉर्मल स्कीम में, अब नॉर्मल स्कीम में आ रहे हो, तो क्या मैं ये चेक करूं कि कैपिटल गुड्स का कितना स्टॉक बचा है? सर क्या कैपिटल गुड्स का स्टॉक बचता है या कैपिटल गुड्स की यूसेज होती है? कैपिटल गुड्स की यूसेज होती है, तो गवर्नमेंट कह रही विवेक ये बता तूने अब तक कितने क्वार्टर कैपिटल गुड्स के यूज कर लिए, मतलब कितने क्वार्टर तक, कितने क्वार्टर तक तूने इस मशीन को यूज किया है? मैंने कहा जी 1 अप्रैल 2019 को ली थी मैंने, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, तो एक साल तो पूरा हो गया, एक साल में कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर तो ही हो गए, 4 क्वार्टर तो ही हो गए,
फिर अप्रैल से अगला साल हो गया, अप्रैल में जून एक क्वार्टर हो गया, अप्रैल में जून, फिर जुलाई 15 जुलाई, इस 15 जुलाई, जुलाई से मेरा क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है, फिर भी हम पूरा क्वार्टर मानेंगे। रीजन बीइंग मैंने कहा था 5% ईच क्वार्टर ओवर पार्ट देयर ऑफ, ओवर पार्ट का मतलब है कि अगर 15 दिन भी हैं तो भी पूरा क्वार्टर काउंट होगा। मतलब ये गवर्नमेंट कह रही है 6 क्वार्टर तूने इस मशीन को यूज किया था, कब, जब ये कॉम्पोजिट स्कीम में थी। नो डाउट तूने 15 जुलाई के बाद नॉर्मल स्कीम में यूज किया, बट हम ये मानेंगे कि जुलाई वाला क्वार्टर भी ये कॉम्पोजिट स्कीम में ही था। तो ऐसा कर, इस 6 क्वार्टर का, इस 6 क्वार्टर का ITC हटा दे और बाकी जो बचेगा वो तू क्लेम कर ले। अब वो पता कैसे करेंगे, अब एक बात बताना, 2 लाख रुपए का GST आपने पे किया, अब अगर 6 क्वार्टर हैं, इसका 5% अगर मैं निकालूंगा तो मतलब 30% आ गया। सर 6 क्वार्टर मल्टीप्लाई 5, ये सारे हमने क्वेश्चन एग्जाम में क्लास में किए हुए हैं। सर ऐसे मत देखो मुझे घूर के, कई बच्चे मुझे घूर के देख रहे हैं, कई वो सब नालायक बच्चे वो हैं जिन्होंने पहले GST पता नहीं कब पढ़ा था या पढ़ा ही नहीं था। ये कैलकुलेशन आपने क्लास में की होगी सर, और मैंने पहले भी कहा था यहां करने से पहले एक बार घर से रिवाइज करके आना, नहीं किया तो एक बार घर जाके दोबारा कर लेना। पूरे नोट्स प्रॉपर तरीके से मैंने क्लास के अंदर बनवाए हुए जी, या आपने कहीं और से भी क्लास ली होगी तो भी आपने बनाए होंगे जी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर टीचर बढ़िया ही पढ़ाएगा जी, तो आपने क्लास में बनाए होंगे, आप भूल गए होंगे, एक बार घर जाके देखना। तो 6% मल्टीप्लाई 5 30% हो गया। अब 2 लाख का 30% निकालूंगा, अगर 2 लाख का 30% निकालूंगा तो कितना आ गया, 60,000 पे, मतलब 1,40,000 पे का मैं ITC क्लेम कर पाऊंगा जी। बस ये बात ध्यान देना, 1,40,000 का ITC क्लेम कर पाऊंगा, मतलब 30% गवर्नमेंट कह रही है उतना तुझे ITC मिलेगा नहीं। हम ये मान रहे हैं इतने टाइम तूने कॉम्पोजिट में यूज की और बाकी जो बचेगा वो तो ITC क्लेम कर ले। स्वीटी कह रही है सर अगर मान लो ये उल्टा केस होता, भाई मैंने यहाँ पे नॉर्मल स्कीम ली थी और मैं कॉम्पोजिट में आ रही हूँ, तो स्वीटी उस केस में फिर आप 30% ITC क्लेम कर सकते थे और बाकी 140 आपको रिवर्स करना पड़ता। तो रिवर्सल वाले केस में इतने की रिवर्सल होगी, इतना ITC क्लेम कर पाओगे, और ITC लेने वाले केस में इतना तुम्हें नहीं मिलेगा, इतना मिलेगा। ये बात 18(1) और 18(4) में लिखी है जी, ठीक है। तो अब जाके हमारा सेक्शन 18 जो है, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। अब एक बार फटाफट देख लो जी, ये कैलकुलेशन आपकी 18(4) की, अगर आपको कैलकुलेशन देखनी है तो ये कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे दी हुई है। अच्छा अब सुना, जो कल बच्चे का एक साल की टाइम लिमिट कह रहे थे ना, जो एक साल की टाइम लिमिट कह रहे थे, वो एक साल की टाइम लिमिट अब है, अब एक साल की टाइम लिमिट है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम्हें ये ITC लेना तुम भूल गए, जैसे मान लो किसी को पता ही नहीं था कि ऐसे भी ITC मिलता है, भाई मान लो 20 किलो का स्टॉक बचा था तो उसने ITC क्लेम नहीं किया, वो लेना भूल गया, उसको बाद में पता लगा यार उसका मुझे ITC मिलना चाहिए। अब अगर तुम सेक्शन 18 वाला ITC लेना भूल गए हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, अगर तुम सेक्शन 18 वाला ITC लेना भूल गए हो, उसकी टाइम लिमिट जो है ना वो एक साल है। देखो जी, टाइम लिमिट आप क्लेम कर सकते हो अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस, जब से आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया होगा वहां से एक साल के अंदर अंदर तुम इसका ITC क्लेम कर सकते हो, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद 18(3), ये तो बिल्कुल सिंपल है जी, अगर कोई केस अमलगामेशन वाला होगा, मर्जर वाला होगा, डी मर्जर वाला होगा, अब अगर मान लो अमलगामेटिंग कंपनी का अमलगामेटेड कंपनी में जा रही है, डी मर्जर कंपनी रिजल्टिंग कंपनी में जा रही है, तो जो मेरा ITC बचा होगा अमलगामेटिंग कंपनी का, क्या वो अनयूटिलाइज ITC क्या अमलगामेटेड कंपनी आगे लेके जा सकती है? आंसर इज यस जी। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है जी कि कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो, मतलब अगले वाली कंपनी ITC को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, ये 18(3) में लिखा हुआ है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा 18(3) है जी, और 18(2) में एक साल की लिमिट है। 18(1) में मैंने क्या बोल दिया कि अगर यहां से यहां जाओगे तो जो बचा हुआ स्टॉक होगा उसका भी तुम ITC क्लेम कर सकते हो जी, ठीक है। अब लास्ट हमारे यहाँ पे 18(6) है जी, ये हमारा 18(6) है जी। 18(6) तो सिंपल सी बात कह रहे जी, 18(6) तो बिल्कुल गिरा हुआ है, वो ये बात कह रहा है कि अगर कैपिटल गुड्स तुम बिजनेस के लिए लेकर आए जी, तुम कैपिटल गुड्स लेकर आए, मान लो मैं कोई मशीन लेकर आया, मैं बिजनेस के लिए लेकर आया, मैंने 1.5 साल बिजनेस में यूज की और 1.5 साल के बाद बेच दी, प्लीज ध्यान सुना जी, सीधे होके बैठो यार, कई बच्चे कह रहे हैं सेशन कब खत्म होगा, सर सेशन खत्म हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि ऐसे मैं 3-4 क्लोज छुड़वा दूं ताकि आपको बाद में दिक्कत आए। अब सोच के बोला मेरा क्या है, मैं कह दूंगा 18(6) खुद पढ़ लेना, और मुझे पता आपने कितना पढ़ना, आपने पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है, तो बेटर यह है कि अगर मैं कुछ फटाफट से रिवाइज करवा दूंगा ना, कम से कम याद तो आ जाएगा कि 18(6) में क्या था। तो सिर्फ 5 मिनट बैठो, सिर्फ 5 मिनट, खत्म हो जाएगा, देन फिर हमें 10 बजे फिर दोबारा क्लास स्टार्ट करनी है, उसमें मैं नया चैप्टर करना है जी। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ, याद करो 18(6) मैंने क्लास में कहा था कि अगर आपने कोई एसेट परचेज की
एसेट आपने बिजनेस के लिए परचेज की, आपने 1.5 साल बिजनेस में यूज किया या 2 साल बिजनेस में यूज किया, 3 साल यूज किया और फिर आपने उसको बेच दिया। अब याद करो सर, मैंने क्लास में कहा था कि जीएसटी में कैपिटल गुड्स की लाइफ हम 5 साल मानते हैं। इट मीन्स 5 साल आप इसको यूज करोगे, 5 साल से पहले अगर यूज करना बंद कर दोगे तो आपको ITC हटाना पड़ेगा। मैंने एग्जाम्पल में क्या कहा कि मैंने 2 साल बिजनेस में यूज की और 2 साल बिजनेस में यूज करने के बाद ना 2 साल यूज करने के बाद मैंने इसको बेच दिया। तो गवर्नमेंट कहते विवेक, अगर तूने 2 साल इसको यूज करने के बाद अगर तूने बेच दिया तो 2 साल का तो ITC तू क्लेम कर पाएगा, बाकी तुझे रिवर्स करना पड़ेगा। कितना रिवर्स करना पड़ेगा? 5% ईच क्वार्टर और पार्ट। 2 साल का निकाल ले, 2 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 1 साल में 4, दूसरे में 4, 8 क्वार्टर, मतलब 40% तुझे मिलेगा। 60% रिवर्स करना पड़ेगा। एक तो ये 60%, और दूसरा जितने की तूने मशीन बेची होगी, जितने की तूने मशीन बेची होगी उसका जो भी GST बनता होगा वो GST और जो तेरा 60% अमाउंट निकल के आया, विच एवर इज हायर जो होगा उतना ITC तुझे रिवर्स करना पड़ेगा। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं। मैंने क्या बोला जी, मैंने कैपिटल गुड्स बिजनेस के लिए यूज की, 2 साल बिजनेस में यूज किया, 2 साल के बाद बेच दिया, तो मुझे ITC क्या सारा मिलना चाहिए 2 साल का? 2 साल का। अब 2 साल कैसे निकालूं? हर साल में 4 क्वार्टर, 4 और 4, 8 क्वार्टर, मल्टीप्लाई 5%, 40%, मतलब 40% मिलेगा, 60 होगा रिवर्स। एक तो 60 ये निकाल लो। फिर दूसरा, गवर्नमेंट कह रही है सिर्फ 60 नहीं, इस 60% को कंपेयर करो किससे? जितने की तूने मशीन बेची उस मशीन का जो GST बनता है। क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा इतने की मशीन बेची है उसका GST का रेट ये है, तो जो तूने मशीन बेची उसका GST के रेट से मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट और 60% विच एवरेज हायर जो होगा वो तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा। देखो 18(6) में क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट मशीनरी ऑन विच ITC हैज बीन टेकन, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे एन अमाउंट इक्वल टू ITC टेकन ऑन सेड कैपिटल गुड्स और प्लांट मशीनरी रिड्यूस बाय 5%। एक तो वही लिमिट आ गई जो अभी तक हम करके आ रहे हैं, और द टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स प्लांट मशीनरी डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15 विच एवरेज हायर, जो हायर आएगा उतनी वैल्यू तुम्हें रिवर्स करनी पड़ेगी। बस ये पर ध्यान देना जी, ठीक है? तो पहले आपने काम करना है 5% वाला, मतलब 5% वाली कैलकुलेशन करनी है, उससे जो अमाउंट आएगा वो निकालना है, फिर जो भी उस मशीन की सेल वैल्यू होगी उस सेल वैल्यू का GST जो रेट होगा तो वो GST निकाल लेना और 5% से निकाल लेना, जो भी हायर अमाउंट बनेगा वो हायर वाला जो होगा वो आप रिवर्स कर दोगे जी, ठीक है? आपके पास मेरी बुक होगी, जिन बच्चों के पास मेरी रेगुलर वाली बुक है उसमें इसके एक दो एग्जाम्पल दिए होंगे, एग्जाम्पल जो मैंने एक बुक में दिए हुए हैं वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे है जी। इवन मैंने क्लास में भी एक दो एग्जाम्पल लिखवाए थे वो सेम यहाँ पे आप कर सकते हो जी, ठीक है नी? तो ये हमारा सेक्शन 18(6) निकल के आ रहा है जी। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फाइनली अब जाके सेक्शन 18 जो है जी, अब जाके हमारा पैकअप हो जाता है जी, अब जाके हमारा 18 खत्म हो गया, ठीक है? तो 17 हमने रिवाइज किया, 18 हमने रिवाइज किया, और फाइनली अब ये लगा लो जी ITC के चैप्टर में 3 घंटे की हमारी रिवीजन हुई है, सिर्फ रिवीजन 3 घंटे हमारे हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और अभी ITC की ही रिवीजन चल रही है। और मैंने कहा था इसमें टाइम लगेगा, मैं चाहता तो एक क्लास में खत्म करवा देता बट फिर वो तोते उड़ जाते आपके, बिल्कुल तोते उड़ जाते। आपको लगता कि 1.5 घंटा लगाया तो है बट क्या लगाया वो नहीं पता लगता, तो कम से कम अब ये तो लग रहा है कि हाँ जो हमने क्लास के अंदर पढ़ा था उसको माइंड में रिकॉल किया जा रहा है, ठीक है नी? कोई दिक्कत तो नहीं? आओ जी अब लास्ट सेक्शन पे आओ जी, सेक्शन 19 आपको इस समरी बुक में नहीं मिलेगा जी, क्योंकि सेक्शन 19 एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। आपने एक नाम सुना होगा जी, बिल टू शिप टू, किस किस ने नाम सुना है जी चैट बॉक्स में लिख के बताना, बिल टू शिप टू, किस किस ने नाम सुना है बिल टू शिप टू? बिल टू शिप टू का मतलब क्या होता है? बिल टू शिप टू का मतलब होता है बिल किसी और के नाम पे, गुड्स किसी और को जाएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है बिल टू शिप टू कि बिल किसी और के नाम पे और सामान किसी और को जाएगा। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं ध्यान सुनना। मान लो मिस्टर विवेक हैं, मिस्टर विवेक आगे से कपड़ा लेके आते हैं, कपड़ा मिस्टर एक्स टेलर को देते हैं और टेलर कपड़े से शर्ट सिल के वापिस करता है विवेक को। ये काम चलता है, आगे से कपड़ा लिया, कपड़ा टेलर को दिया, टेलर ने शर्ट सिली, शर्ट वापिस आ गई। आगे से कपड़ा लिया, कपड़ा दिया टेलर को, टेलर ने शर्ट सिली, कपड़ा वापिस, मतलब शर्ट वापिस आ गई। ये सारा काम चलता है। किसी ने मुझे कहा यार विवेक तू कर क्या रहा है,
जिससे तू कपड़ा लेता है और जो तेरा टेलर है, ये दोनों एक जगह रहते हैं भाई। जिससे तू कपड़ा ले रहा है और जो तेरा टेलर है, ये दोनों ही एक जगह पे रहते हैं। तो ऐसा करना, तू अपने सप्लायर को बोल दे कि कपड़ा डायरेक्टली टेलर को पहुंचा दे और बिल तेरे नाम पे कट जाएगा। अब सोच के बोलना जी, जैसे ही कपड़ा डायरेक्टली टेलर को पहुंचाया तो गवर्नमेंट ने कहा, विवेक तुझे कपड़े के जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा। मैंने कहा, नहीं क्यों नहीं मिलेगा? कह रहे तूने कंडीशन ब्रेक कर दी। मैंने कहा, नहीं कौन सी? कह रहे इनवॉइस तेरे हाथ में है बट तूने सामान अपनी फैक्ट्री में रिसीव नहीं किया। नो डाउट उसने जीएसटी पे कर दिया, रिटर्न फाइल कर दी, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, बट सामान तूने रिसीव नहीं किया, तूने एक कंडीशन ब्रेक कर दी, इसलिए तो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। अब सोच के बोलना, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे केसेस होते होंगे? नहीं होते होंगे, होते हैं। 100% ऐसे केसेस होते हैं कि कई बार सामान में नहीं भिजवाता, मैं डायरेक्टली क्या बोलता हूं, उसको भिजवा दो, तो बिल बिल टू बिल मेरे नाम पर है, शिप टू, बिल टू शिप टू, इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू, मतलब बिल आपके नाम पे, शिप किसी और को गया। तो गवर्नमेंट कह रही है, विवेक टेंशन मत ले, अगर कोई केस बिल टू शिप टू वाला है ना, हम ये मान लेंगे ये सामान तूने ही रिसीव किया है और तू आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो ये बात ध्यान देना, चाहे जॉब वर्कर वाला केस हो चाहे नॉर्मल केस हो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, चाहे जॉब वर्कर वाला केस हो चाहे नॉर्मल केस हो, अगर बिल टू शिफ्ट वाला केस होगा तो हम डीम्ड रिसीव मान के उस पर्सन को आईटीसी क्लेम करवा देंगे। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए ना कि बिल कटा आपके नाम पे, सामान डायरेक्टली किसी और को भिजवा दिया, तो अगर सामान किसी और को भिजवाया, सामान तुमने रिसीव नहीं किया, क्या तो भी आईटीसी क्लेम कर सकते हो? आंसर इज यस, आंसर इज यस, आंसर इज यस, क्लेम कर सकता हूं, क्योंकि ये केस बिल टू शिफ्ट वाला है और बिल टू शिफ्ट वाले केस में आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जी। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं बिल टू शिफ्ट वाला। तो घबराना मत, अगर ये बोल दिया कि डायरेक्टली सामान किसी और को पहुंचा दिया तो टेंशन मत देना, ये मान लेंगे कि आपने ही वो सामान रिसीव किया है और आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो जी। ठीक है, इसको बोलते हैं बिल टू शिफ्ट। तो ये बातें 19 में जॉब वर्कर वाले केस में लिखी हैं, और जॉब वर्कर को छोड़ के दूसरे केस भी होंगे, बिल टू शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम है कि डीम्ड रिसीव मान के आपको आईटीसी मिल जाएगा जी। ठीक है, तो फाइनली ये बातें सर हमारी यहाँ पे निकल के आती हैं। उम्मीद करूंगा जी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने एक काम करना है, अभी 10 मिनट के बाद, मेरे ख्याल 10 मिनट भी नहीं, 8 मिनट के बाद हम दोबारा मिलेंगे 10 बजे। उसमें हमारे बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर होंगे, क्योंकि 10 बजे आज हमारे मुश्किल चैप्टर नहीं है। आज मैंने क्यों नहीं रखे, क्योंकि आईटीसी ऑलरेडी हमारा टेक्निकल चैप्टर था। तो आप सब जानते हो रिटर्न के चैप्टर में फॉर्म नंबर होते हैं, ठीक है, कौन कौन से फॉर्म की रिटर्न फाइल करनी है, किस दिन फाइल करनी है, वो सारी बातें ईजिली हैं, बिल्कुल आसान, आराम से समझ में आएंगी। और पेमेंट वाला चैप्टर हम ऑलमोस्ट पहले खत्म कर चुके हैं, कुछ थोड़ी बहुत बातें पेंडिंग है, आज उसको हम कंप्लीट कर देंगे जी। तो चैप्टर वो दोनों मुश्किल नहीं है, तो टेंशन मत लेना कि सर आईटीसी के बाद वो दोनों समझ में आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपने पहले सारा कुछ पढ़ा हुआ है, हम तो सिर्फ रिविजन कर रहे हैं ना सर, पहले आपने सारा पढ़ा है। और सोच के बोलना, 18 घंटे की रिविजन क्लास के अंदर भी तो आप लगातार बैठे थे, जिन बच्चों ने 18 घंटे की अटेंड की थी, ठीक है, तो अभी हमारे 2 ही तो घंटे हुए हैं, ठीक है, वो बात अलग है। इस बार हम थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, 18 घंटे के अंदर इतनी डिटेल में मैं नहीं गया था। वहाँ पे आईटीसी का अगर आप उठा के देखोगे, आईटीसी मैक्सिमम हमने 1-1.5 घंटे में पैक कर दिया था, जो हमने 3 घंटे लगा दिया, ठीक है जी। बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस ये है कि आपको रिकॉल होना चाहिए जी। ठीक है, चलो जी, उम्मीद करूंगा सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से फटाफट से रिवाइज कर लेना, जिसके कोई डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में डाल देना जी, बाकी सब बच्चे उसका रिप्लाई करेंगे। और सीए वाले जो बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ, रिटर्न का चैप्टर और पेमेंट का चैप्टर उनके एग्जाम के अंदर भी है, ताकि वो बिना बात के यहाँ पे मैसेज ना करें सर है या नहीं, बिल्कुल है जी। और बाकी मेरे सीएस की फैमिली के बच्चे तो फटाफट 10 बजे यहाँ पे पहुंच जाएं, 5 से 7 मिनट के अंदर। आप भी फटाफट कुछ खा पी के आ जाओ, और मैं भी फटाफट से डिनर करके आपको जल्दी मिलता हूँ जी। ठीक है जी, चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, टेक केयर। और अगर अच्छी लगे तो जरूर सर लाइक ठोक के जाना, बाकी आपकी मर्जी है सर, आपका हुक्म सर आंखों पर। जो आप मुझे दोगे प्यार लूंगा, हेट दोगे हेट लूंगा, जो आप दोगे दिल से वही ले लूंगा सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद जी, गॉड ब्लेस यू, लव यू जी, बाय बाय।